दोस्तों एक बार दोबारा से स्वागत है सुनील तुलसियानी का। सुनील तुलसियानी जो एक बार दोबारा से इंडिया में आए हैं, इंडिया से ये गए कनाडा में, कनाडा से वापस लौट के आए थे दोबारा से फरवरी मार्च के अंदर इस साल के, और बहुत सारी वीडियोस इन्होंने बनाई हैं, बहुत पॉपुलर गई आपकी वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग बैक टू इंडिया। और आज सुनील तुलसियानी हमको बताएंगे किस ढंग से आप रियल इस्टेट के अंदर बिलियनर बन सकते हैं, क्योंकि सुनील तुलसियानी जब यहाँ पर थे आप स्लम्स में रहते थे। जी हाँ, दिल्ली में, दिल्ली के स्लम्स में थे ये, जब 13 साल की उम्र के अंदर कनाडा में गए थे। कुछ बताइए उसके बारे में। दिल्ली में स्लम्स एरिया में रहते थे। 81 में हम कनाडा गए, डैडी फैक्ट्री में काम करते थे। हम बहुत ही गरीब फैमिली के थे। इनफैक्ट एक एप्पल काटते थे तो 5 पीस करते थे फैमिली के, और लड़ते थे कौन सा पीस बड़ा है वो कौन खाएँ। सो जब हम कनाडा गए तो कनाडा में भी हम गरीब एरिया में रहे थे, और 1990 में आई बिकेम अ पुलिस ऑफिसर। उसके बाद आई वेंट अप द रैंक्स एंड फाइनली आई बिकेम अ प्लेटून कमांडर। पर 15 साल की पुलिस में ये इशू हुआ कि फैमिली प्रॉब्लम्स आने लगे। सो फैमिली की रीज़न से आई हैड टू लेट गो ऑफ द सिक्योर जॉब। जो सिक्योर जॉब वो बहुत मुश्किल था वो छोड़ना। आई लेफ्ट दैट। बताना चाहते हैं 18 साल पहले सुनील तुलसियानी ने अपनी कॉप की जो लाइफ थी, जो इनका एक ऑफिशियल थे, ये ऑफिसर थे 2005 के अंदर से 18 साल पहले, उसको छोड़ दिया रियल एस्टेट में आने के लिए। जी, एंड उस टाइम ये नहीं मालूम था कि किस में आना है, बिजनेस में आना है, रियल एस्टेट में। पर रियल एस्टेट में आए, रियल एस्टेट में एक कोर्स किया जिसमें हमने $5000 2005 में इन्वेस्ट किए। रॉबर्ट जी एलन उनका नाम है, अमेरिका से, और उन्होंने बोला कि बाय प्रॉपर्टीज नो मनी डाउन, मतलब बिगर पैसे से आप रियल एस्टेट में कमा सकते हो, अमीर बन सकते हो। तो मैंने कहा ये बकवास है, हो नहीं सकता, क्योंकि एक तो एक पुलिस ऑफिसर थे हम, तो हमारा दिमाग ऐसे चलता था कि ये बकवास है। बट मैंने किसी तरह से वो कोर्स लिया, फेथ किया, और फर्स्ट ईयर आई बॉट एंड सोल्ड 77 प्रॉपर्टीज, और उन 77 प्रॉपर्टीज में मेजोरिटी दम ज़्यादातर नो मनी डाउन। इसका मतलब है तब जबकि कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पैसा नहीं था, और पहले साल के अंदर 77 प्रॉपर्टीज यू बॉट एंड सोल्ड, नो मनी एट ऑल, मोस्ट ऑफ देम नो मनी। एंड जिंदगी में मेरे को कभी ऐसे नहीं सोचा था कि आई विल मेक $1 million इन अ ईयर, $1 million in 1 year. So उस पहले साल में I made $980,000, जो कि $20,000 सिर्फ कम है $10 लाख से। वो मैंने बनाए थे उसमें। So तब मेरे को समझ में आया कि रियल एस्टेट पार्ट टाइम या फुल टाइम, क्यों लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट में आप बहुत पैसा कमा सकते हो। So ये हुआ था। और उसके बाद हमने आज 2022 के अंदर 2022-2023 जो आ रहा है अभी, तो जिस खत्म हो रहा है 2023 में इवन बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में, अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में। बहुत ही रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी है जो हम आगे चल के बात करेंगे उसके बारे में। एंड आज तो ये है हाउ टू बिकम अ रियल एस्टेट मिलियनर। ये इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि पिछली 3 जो वीडियो मैंने अनुराग जी के साथ किए हैं, जो उसमें इतने लोगों ने मेरे को प्यार दिया, इतने कमेंट्स आए कि सर आप आ जाओ वापस, इस पे आ जाओ। इतनी कॉल्स आई हैं सुनील, इतनी कॉल्स आई, इतने मैसेजेस हैं, प्लीज गिव अस नंबर ऑफ सुनील तुलसियानी, प्लीज गिव अस नंबर ऑफ सुनील तुलसियानी। तो आज क्या करेंगे उसमें हम अपनी एटलीस्ट ईमेल डाल देंगे, जैसे एटलीस्ट आप ईमेल भेज सको हमारी टीम को, सो दैट वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग लाइक दैट। सो आज उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। इंडिया में अब क्या होने वाला है रियल एस्टेट में, और बाहर आपने सुना होगा रिसेशंस वगैरह आ गए हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, क्या लोग यहाँ से वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर रुपीस में डॉलर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं सेफली, उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक सिस्टम है कि कैसे आप रियल एस्टेट में अमीर बन सकते हो इन अपकमिंग 2023। वाओ, यस, राइट टाइम है, दिसंबर 2022 है, नया साल आने वाला है। बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी ट्रेनिंग को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स स्टार्ट विद दैट। ऑलराइट, सो ये रियल एस्टेट का सिस्टम है जो मैं पूरे वर्ल्ड में, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, अमेरिका में हूँ, कनाडा में हूँ, यूरोप में हूँ, इंडिया में हूँ, कहीं पे भी हूँ, ये सिस्टम मैं लोगों को सिखाता हूँ, क्योंकि अगर ये सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा देन चांसेस है कि आप रियल एस्टेट मिलियनर बन सकते हैं। और मेरा गोल ये है कि 2023 में मैं चाहता हूँ काफ़ी इंडियंस जो हैं वो आएँ और वो बोलें कि भाई आपकी वीडियो देख के मैं इतना इंस्पायर हुआ हूँ, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट 100 मिलियनर लिस्ट जो बनाना चाहते हैं। थैंक यू थैंक यू। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले साल 8-9 महीने पहले जब मैं वीडियो में 3 ट्रेनिंग की थी हमने रियल एस्टेट अनुराग जी के साथ, तो आज जब मेरी उससे कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो अनुराग जी ने मेरे को एक बहुत अच्छा न्यूज़ दिया है कि वो भी एक बहुत इंस्पायर हुए हैं रियल एस्टेट में, और उनका मतलब जो अब वो रियल एस्टेट में कर रहे हैं, ही इज़ लर्निंग एंड ही इज़ डूइंग समथिंग, राइट? एब्सोल्युटली। मैं अब तक इन्वेस्ट कर रहा था म्यूचुअल फंड के अंदर, और आपकी वीडियोस, आपकी इंटरेक्शन के कारण से इंस्पायर होके मैंने म्यूचुअल फंड विच इज गिविंग मी 12, 13, 14, 15%, जबकि रियल एस्टेट मुझे मालूम है जिस ढंग से हम लोगों की इंट्रैक्शन हुई थी, कुड यू बिलीव विदाउट हैविंग मच इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ 10% ओनली, आई एम मेकिंग अबाउट 20 times money is possible. ये पॉसिबल है कि आप 20 गुना पैसा बना सको कुछ एक महीनों के अंदर जी, जो कि म्यूचुअल फंड के अंदर कम से कम पॉसिबल होगा 100 साल के अंदर जाकर जी। एंड मेरा कहने का लोग पूछते हैं कि आप ये काम करते क्यों? मैं ये काम इसलिए करता हूँ कि ऐसी स्टोरीज आप सुनेंगे ना, जो लोग बोलते हैं कि मैं आपकी वीडियो देखी और फ्री में देखी वीडियोस, वो इंस्पायर होते हैं। वो कहते हैं, कई लोग मेरे को बोलते हैं अनुराग जी कि भाई ये इंडिया में नहीं होगा, इंडिया में नहीं हो सकता है। सो आपके पास एक लाइव एग्जांपल है कि इंडिया में ऐसा हो रहा है, इंडिया में भी पॉजिटिव कैश फ्लोइंग प्रॉपर्टीज आती हैं, इंडिया में भी आप नो मनी डाउन कर सकते हैं, इंडिया में भी आप लेवरेज कर सकते हैं अपनी रियल एस्टेट में और अपने रियल एस्टेट में। एक्सप्लेन कर दूं जी जी, बोलिए बोलिए। ये ना लगे कि मैं कोई बहुत बड़ी बात कर दी है कि कैसे पॉसिबल है रियल एस्टेट के अंदर 20 गुना अपना पैसा कमा पाना, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है आपको बहुत नक्शल बताता हूँ मैं। तो मैंने कैसे किया, मैंने जो 3 ट्रेनिंग इनसे ली थी लास्ट टाइम February-March में, जब आप आए थे कनाडा से इंडिया के अंदर, तो जो हम लोगों ने इंट्रैक्शन किया था, वीडियो को जाके देखिएगा आप। इन्होंने कहा अपना पैसा इन्वेस्ट मत करो, और करना है तो कम से कम करो। 10% किया मैंने, 10% करके आइडेंटिफाई किया जिस जगह पर मेरा ऑफिस है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट करके कहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटर्न है, ROI सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। और ROI मुझे मिली, पता चला पीजीज, क्योंकि हम लोग जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के एकदम एडजेसेंट में है, वहाँ पर शॉप्स के अंदर था ROI, वहाँ पर ब्रांडेड शॉप्स के अंदर ROI था, वहाँ पर रेजिडेंस आप लेते हो तो ROI था, लेकिन सबसे ज़्यादा हमको ROI दिखाई दिया पीजीज के अंदर, पेइंग गेस्ट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट है करीब 70-80,000 स्टूडेंट वहाँ पर रहता है right. और इन 9 महीनों के अंदर मैंने जल्दी से, थोड़ा सा पैसा था मेरे पास, एक प्रॉपर्टी को सिर्फ हम लोगों ने 10% पे लिया, और उसको कुछ एक महीनों के अंदर हम लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, सिर्फ 10% इन्वेस्टेड था, और हम लोगों ने 6 महीने का टाइम लिया। उस 6 महीने के अंदर बायर्स थे, उनको बायर्स को हम लोगों ने प्रॉपर्टी बेच दी, ज़्यादा पैसा कमाया हम लोगों ने 2 या 3 महीने के अंदर अंदर 6 महीने का हमने टाइम लिया था, 2-3 महीने के अंदर हम लोगों ने उस प्रॉपर्टी को कहीं ज़्यादा का बेचा। और अगर आप कैलकुलेट करोगे 2-3 महीने के अंदर कितना ज़्यादा रिटर्न मिला आप देखोगे तो वो करीब 20 टाइम था। वाह वाह, इस पर तालियाँ बनती है बहुत, क्योंकि जो लोग आते हैं कई कहते हैं ये तो कनाडा में हो सकता है या अमेरिका में हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो कनाडा में होती हैं इंडिया में नहीं होती हैं, और कुछ चीज़ें इंडिया में होती हैं जो कनाडा में होती हैं, सही बात है। पर काफ़ी जो कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं ना, वो हर जगह होती है। इन्होंने जो बोला ना 10% डाला है उन्होंने, एक्चुअली इन्होंने अपने क्लोजिंग नहीं की है उसकी, उन्होंने 10% डाल के उस डील को टाई अप किया है। और शी मस्ट बी और ही मस्ट बी मोटिवेटेड सेलर, उनको जरूरत थी सेल करने की, इज करेक्ट? थे, इंस्पायर्ड थे, डिस्ट्रेस भी थे, उनको बेचना था, इस कारण से हम लोगों ने इसको लिया, थोड़ा 10 और 15% चीपर लिया, और हम लोगों ने उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी, थोड़ी सी विदिन 2 मंथ्स मॉडिफिकेशन करी, और मॉडिफिकेशन कर करके जब बेचा तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा निकल के आया। वेरी गुड। एंड दिस व्हाट यू टोल्ड अस इन द लास्ट इंटरेक्शन। तो आपने जो चेंजेस की थी, जस्ट थोड़ा सा बता दीजिए क्या चेंजेस की थी आपने, जो क्योंकि ये क्या हमने ना अमेरिका में जब क्रैश हुआ था 2008 से लेकर, जो हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए थे, उसमें क्या कहते हैं, एक प्रॉपर्टी लेते हैं, उसको थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, उसमें थोड़ा चेंजेस लाते हैं, मीनिंग प्रॉपर्टी इज वर्थ मोर बिकॉज उसमें थोड़ा चेंजेस लाए। आपने क्या चेंजेस लाए थे इसमें? कुछ नहीं किया, फर्नीचर जो था वो चेंज किया, पेंट किया हम लोगों ने, कुछ दरवाजे टूटे हुए थे वो चेंज किए, दरवाजे चेंज किए हम लोगों ने, पेंटिंग करी, पेंट वर्क किया, वॉशरूम्स को और ज़्यादा बेटर बनाया, फर्नीचर चेंज किया, और थोड़ा सा पैसा लगाया। इट वॉज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दैट वी इन्वेस्टेड, और उसके रिटर्न से कहीं ज़्यादा मिले हमको। और आपने क्लोजिंग भी नहीं की अपने अंदर? क्लोजिंग मैंने नहीं की, हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्टी था उसे थर्ड पार्टी को बेचा, और बीच में से हम लोगों ने इनको इंट्रैक्ट करा के अपने इन्वेस्टमेंट से हमने बहुत ज़्यादा कमा लिया। राइट। कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो सारी जगह जाएंगी, मैं शेयर भी करूँगा ये वीडियो सबके साथ, इट इज़ कॉल्ड असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि आपने क्लोज नहीं किया है, थर्ड पार्टी ने क्लोज किया है, पार्टी नंबर वन के पास प्रॉपर्टी है, पार्टी नंबर टू आप हो, इन दिस केस अनुराग जी थे, एंड पार्टी नंबर थ्री जो फाइनल बायर हैं, क्लोजिंग बिटवीन 1 और 3 पे हो रही है, 2 बेसिकली बीच में प्रॉफिट अपना ले रहे हैं वो। पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपको एक ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, तो आप अगर देख रहे हैं, कहीं पे भी देख रहे हैं, यूट्यूब पे कहीं पे भी देख रहे हैं, तो आप पेन एंड पेपर लीजिए और जो मैं लिख रहा हूँ तो आप वो लिख लीजिए। और इस वीडियो को आपको बार बार देखना है, क्योंकि एक बार देखने से नहीं होता है, बार बार देखना है कि, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 2023 आ रहा है, 2023 में मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास एक मैसेज भेजें या ईमेल भेजें कि भाई हमने वीडियो अनुराग जी के साथ देखी आपकी वीडियो और मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। मैं ये चाहता हूं आगे चल के, क्योंकि मैंने अमेरिका में लोगों की मदद की है अमीर बनने के लिए, कनाडा में मदद की है, जापान में, यूरोप में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब टाइम आ गया है इंडिया का, अब टाइम आ गया है इंडिया का, बिकॉज इंडिया इज़ इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। हालांकि दूसरे वर्ल्ड में जितने भी जो कंट्रीज हैं, दे आर गोइंग थ्रू रिसेशन, पर इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स मैसिवली। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है अगर आप इंडिया में हैं, तो चाहे आप इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप इंडिया में हैं और अमेरिका और दूसरी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। सो पहली बात, पहली चीज़ ये है कि आपको ये सीखना है कि पहले आपको अपना, आपने सुना ज़रूर होगा, पर पहले आपको अपना गोल जरूर लिखना है। ये लोग कहते हैं पर मेरे को लिखना नहीं है, मेरे को पता है। यहाँ पे मेरा फ्रेंड है ब्रायन ट्रेसी, अमेरिका से, ही इज लाइक द बिगेस्ट ट्रेनिंग पर्सन। उसने मेरे को बोला है कि सून एज यू राइट द गोल, जैसे आप गोल लिखते हैं, यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। क्योंकि जब लिखते हो ना, तो इट गोज फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड टू योर सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली। ये कहना कि मेरे को 1 करोड़ चाहिए और ये लिखना कि मेरे को 1 करोड़ चाहिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो गोल कैसे लिखना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझो अगर आपको December 31, 2023 तक आपको 10 करोड़ बनाने हैं, सो उसमें आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा था, आई सुनील तुलसियानी विल मेक 10 करोड़ रुपीज़ बाय December 31, 2023। उसमें आपने टाइम बाउंड, हाँ टाइम बाउंड, उसमें मैंने क्या किया था, सिग्नेचर कर दिया था, जस्ट लाइक अ बॉन्ड सिग्नेचर। और मैंने क्या किया था, वो मैंने हर जगह लिख दिए थे। जब मैं 18 साल पहले किए थे ना, उस टाइम लैपटॉप वगैरह भी नहीं था, मैंने पेपर में लिख के चारों तरफ लगा दिए थे, पूरे घर में, पूरे घर में। जो दिखता है वही होता है। हाँ, दिखेगा तो होगा। लेफ्ट जाओ तो तुम्हें तुम्हारा गोल दिखाई दे, राइट जाओ, ऊपर देखो, नीचे देखो, हर तरफ तुम्हारा गोल सामने होना। राइट, आज आप क्या कर सकते हैं, जब आप अपना फोन ऑन करें वो गोल आ जाए, हाँ। जब लैपटॉप आप ऑन करें तो आपका गोल आ जाए, आप जब ड्रोर खोलें अपना बिजनेस का कोई, वो आ जाए। वाई? क्योंकि जो बार बार आपको दिखाई देगा, आपको याद दिलाएगा कि मैं आज क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, टू गो देयर। सो राइटिंग योर गोल इज द फर्स्ट स्टेप, कि मेरे को इतना चाहिए। क्योंकि अगर आपको, आप मेरे को बोलेंगे कि मेरे को ट्रिप पे जाना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि कहाँ जाना है। सो ये गोल कहाँ जाना है। अगर आप यहाँ अगर आप यहाँ से दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं वर्सेस दिल्ली से टोरंटो जा रहे हैं, उसकी स्टेप्स अलग होंगे, उसकी टिकट अलग होगी, उसकी इन्वेस्टमेंट, इनका फोकस अलग होगा। सो अगर आप दिल्ली से टोरंटो जा रहे हैं, देन आपकी स्टेप थोड़ा मोर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एंड ऑल दैट। अगर आप दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, आप कार से भी जा सकते हैं, प्लेन से भी जा सकते हैं, पर टोरंटो आप कार से नहीं जा सकते हैं। सो स्टेप्स वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट। सो ये गोल आपको क्लियर और एकदम डेडलाइन के साथ स्पेसिफिक होना चाहिए, और उसमें सिग्नेचर कर दीजिए आप और लिख दीजिए कि ये मेरा अपने आप से प्रॉमिस है, ये मेरा अपने आप से प्रॉमिस है कि मैं ये चाहूँ, मेरे को चाहिए। और अगर आप बहुत ही बोल्ड हैं, तो कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपके बहुत क्लोज दोस्त हैं, उनको आप बता दीजिए कि ये मेरा गोल है। वो आप पे हंसेंगे, वो बोलेंगे आप पागल हो, और वो बोलेंगे, जब वो लोग आपको बोलेंगे कि आप पागल हो, तो इसका मतलब तुम सही जा रहे हो। बिकॉज अगर आपके बोल बड़े हैं तो लोग बोलेंगे आप पागल हैं, अगर आपके बोल छोटे हैं तो लोग बोलेंगे अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया तुमने, राइट। सो इंस्पिरेशनल कम होंगे, हाँ, बड़े गोल होंगे। हाँ, सूरज की तरफ देखो, चांद की तरफ देखो, सितारों की तरफ देखो। यू विल नॉट गेट सिताराज, यू विल नॉट गेट चांद, लेकिन कम से कम यू विल नॉट गेट द हैंडफुल ऑफ डस्ट ईदर। सो पहली चीज हो गई गोल। ये बहुत ही सिंपल स्टेप लग रहा होगा आपको, पर जरूरी है कि आप ये लिखें। जो गोल तो लिखें, पर जैसे मैंने आपको समझाया है ना, डेट, नेम एंड अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट लिख लीजिए आप, ऐसे कई लोग बोलते हैं चलो करोड़ों में लेंगे, हाँ, मैं मिलियनर बन जाऊंगा। मिलियनर जो है वो मेजरेबल नहीं है। यस, तुम्हारा गोल जो है वो SMART होना चाहिए। एस मींस जैसे मैंने कहा स्पेसिफिक होना चाहिए, उसके बाद मेजरेबल होना चाहिए कि कितना कमाना है। भाई तुम कहते हो मिलियनर, मिलियनर क्या होता है? मिलियनर तो कुछ भी हो सकता है, मेजरेबल होना चाहिए, अमाउंट जो है स्पेसिफिक होना चाहिए। दिस इज व्हाट यू वांट टू से। 50 करोड़ कमाना चाहता हूँ, 60 करोड़, 70, 80, 90 करोड़, 100 करोड़, ये नंबर आप कहना चाहते हैं। एंड अगर आप सिर्फ $1 मिलियन बनाना चाहते हैं वो भी फाइन है, वो भी ठीक है, उसमें 1 लिखा हुआ है। हाँ, $1 मिलियन है, हाँ अमाउंट है, हाँ $1 मिलियन लिख दीजिए आप। और मेरा यही गोल था पहले साल की $1 मिलियन कमाऊं, और मेरे को ये नहीं मालूम था कि कैसे आएगा, पर मेरे को मालूम था कि आएगा। दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। आपको जुनून होना चाहिए कि मेरे को ये करना है ज़रूर। दूसरी चीज़ है एजुकेशन। एजुकेशन नाउ आपको लग रहा होगा ये तो बहुत सिंपल बात बोल दी एजुकेशन, पर मैं आपको बताऊं कि एजुकेशन आप कॉलेजेस से भी ले सकते हैं, पब्लिक स्कूल से भी ले सकते हैं, प्राइवेट स्कूल से भी ले सकते हैं। जो टीचर्स हैं वो जो अमीर नहीं हैं उनसे आप ले सकते हो, राइट? बट द इशू प्रॉब्लम उससे ये है कि अगर आप एजुकेशन ले रहे हो गरीब लोगों से या टीचर से तो यू आर नॉट गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल मोस्ट ऑफ द टाइम। दिस इज दिस इज ट्रू। तो क्या करना है, आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं जो कर रहे हैं, जिनके पास सक्सेस है, जिन्होंने फेलियर से सीखा है, जिन्होंने सक्सेस से सीखा है, जो कर रहे हैं उनसे करना है। देखिए अगर मेरे को ब्लैक बेल्ट चाहिए कराटे में, आज कराटे में ब्लैक बेल्ट चाहिए, मैं उसके पास जाऊंगा जिसके पास ब्लैक बेल्ट नहीं है। इट डजंट मेक सेंस, राइट? डजंट मेक सेंस। आपको जाना है उसके पास जो मे बी 3, 4, 5, 6, 7 डिग्री ब्लैक बेल्ट होगा, उसको बोलना है कि मेरे को आप सिखाओ। तो वो जब सिखाएगा तो कम से कम मेरे को मालूम है चांसेस मेरा भी होगा कि मैं भी शायद ब्लैक बेल्ट बन जाऊँ। पर अगर आप उस आदमी के पास जाओगे जिसका ब्लैक है ही नहीं, मेरे पास आओगे। सो यू नो, हमारे वहाँ पे कनाडा में क्या है कि बैंक में जो लोग काम करते हैं, और मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है अब जो बैंक्स में काम करते हैं, क्योंकि हमें एम्प्लॉइज चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो सर्व करें बैंक में। पर आप बैंक टेलर या एक बैंक एम्प्लॉई के पास जाते हैं जो कि मेरे ख्याल से कनाडा में $50,000 कमाते हैं, यहाँ पे पता नहीं एंट्री लेवल क्या है इनका ICICI या कोई भी बैंक में। पर उनसे हम जाके क्यों कहते हैं कि हमको मिलियनर बनना है, आप हमको समझाओ कि क्या करना है। आप जाओगे बैंक के पास, एम्प्लॉय बैठा होगा, एम्प्लॉय बैठेगा, सर इसमें आप पैसे डाल दीजिए। उस एम्प्लॉय को ये कहा गया है कि ये करना है, प्लस दे गेट कॉम्पनसेटेड, जो कोई गलत नहीं है उनकी तरफ से। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कह रहे हैं कि अगर आपको सीए बनना है तो डॉक्टर के पास मत जाना। नहीं, मैं तो और भी कह रहा हूँ, अगर आपको सीए बनना है तो जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग है, जो अकाउंटिंग स्टूडेंट है, उसके पास नहीं जाओ। हाँ, बिकॉज जो बैंक में काम कर रहा है या कर रही है, उसके पास सैलरी 50,000 या 1 लाख रुपए जो भी कमाते हैं वो पर मंथ, वो कैसे आपको बोलेंगे कि 100 करोड़ कमाओ? वो नहीं बता पाएंगे। सो सीए अगर आपको बनना है तो कॉलेज के स्टूडेंट जो सीए जो अकाउंटिंग कोर्स ले रहे हैं उनके पास नहीं जाओ आप। उस लेवल का डिफरेंस जो ऊपर टॉप पर है, जो सबसे ज्यादा जानता है, हाँ, उसके पास सबसे अच्छी नॉलेज, उसके पास जाओ। नॉलेज है। All them are also listening to you. Yes. And learning from you. You know, I have young students and wonderful people, and they're listening to us. And I want to do this. I want to inspire. मेरा इंस्पिरेशन है कि मैं सिखाना नहीं चाहता हूँ सिर्फ, मैं आपको चाहता हूँ कि सीखे एंड देन यू गो डू। करना चाहता है, कुछ करो जाके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक बार सीख लिया, चलो सीख लिया, बट गो डू समथिंग। बिकॉज मेरी, अगर आपने इस वीडियो में एक ही प्रॉपर्टी बाय की इन 2023, चलो आप करोड़ों नहीं कमाओ, एक ही प्रॉपर्टी बाय की, कम से कम लाखों तो कमाओगे आप, लाखों तो कमाओगे। सो आई वॉन्ट यू टू डू दिस। सो आई एम द लिविंग टेस्टिमनी। Yes, you're the and India में हमारा पहला मिलियनर ऑलरेडी बन चुका है सिंस लास्ट 8-9 months। जो पिक का है हमारा ऑलरेडी मिलियनर एक बन चुका है, मिलियन मीनिंग अमेरिकन $1 मिलियन उसने कमाए हैं इन द लास्ट 6 or 7 month फ्रॉम माई ट्रेनिंग एंड माई कोचिंग, एंड ही हैज सेड दैट। वीडियो पे उसने खुद बोला है। सो कहने का मतलब है कि अगर मैं कर सकता हूँ, वो कर सकते हैं। मेरे पास कोई वो हाई IQ नहीं है, ना ही कोई स्पेशल पावर्स है, सुपरमैन के पावर्स है, कुछ ऐसा नहीं। पर डिस्पाइट दैट मेरे पास एक चीज़ है कि भाई कैसे पैसा बनाना है और दूसरों को कैसे वो सिखाना है। दैट्स माय गिफ्ट फ्रॉम अबव, दैट्स माय गिफ्ट। सो एजुकेशन जो है ना, आपको आपको पहली चीज़ ये देखनी है कि किससे मैं सीख रहा हूँ या किससे मैं सीख रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। उस आदमी को नॉलेज तो ठीक है, पर उसका एक्सपीरियंस देखिए, आप उसकी एक्सपर्टीज देखिए, तब करिए, ठीक है। नंबर 3, ये बहुत ही सिंपल है, रियल स्टेट। RE स्टैंड्स फॉर रियल स्टेट, REI स्टैंड्स फॉर रियल स्टेट इन्वेस्टिंग। रियल स्टेट इन्वेस्टिंग एक प्रोडक्ट है जो लोगों की मदद करता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए मास्लो 3 है, जिसमें है नीड्स क्या है ह्यूमन बीइंग की। एक तो है रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। रोटी बन जाएगी, वो डिप्रीशिएट हो जाएगी, कल तो ख़राब हो जाएगी, परसों ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। मे बी फ्रिज में रख लोगे, कुछ दिन और चल जाएगी, ठीक है, पर डिप्रीशिएट होगी। कपड़ा आप लेंगे, आप कुछ भी कपड़ा बाय कर लो आज, एक महीने के बाद 50% डिस्काउंट पे शॉप पे अवेलेबल होता है, हाँ। सो कपड़ा। बट जो थर्ड चीज़ है, घर, प्रॉपर्टीज, लैंड, दुकान, कमर्शियल प्रॉपर्टी, जो भी है, इट अप्रिशिएट। एंड येट वो इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए, वो इम्पोर्टेंट था, हाँ वो लिमिटेड भी है, और वो इम्पोर्टेंट था 50 साल पहले, वो इम्पोर्टेंट था 100 साल पहले, वो इम्पोर्टेंट था 10,000 साल पहले। 10,000 साल पहले या 5,000 साल पहले जो लोग ज़मीन के ओनर्स थे वो अमीर थे, जो लोग ज़मीन पे काम करते थे वो गरीब थे, सिंपल। आज कांडोज हो गए, टाउन हाउस हो गए, घर बन गए, ये बन गए, वो होंगे। इट्स जस्ट अ रियल स्टेट। ये हम सबको पता है कि ओवर 80 to 90% ऑफ सेल्फ मेड मिलियनर्स, चाहे वो पार्ट टाइम हो चाहे वो फुल टाइम हो, they become self-made millionaires and multi-millionaires by real estate in the world. सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये सच्ची बात है। आपको ये देखना है कि कैसे आप इसमें रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये देखना है आपको अपने दिमाग में कि रियल स्टेट इज़ अ नीड, ये ज़रूरत है हमारी, हमें चाहिए वो रियल स्टेट। एंड ब्यूटीफुल थिंग रियल स्टेट का ये है कि जो मैंने पिछली वीडियोस में, आप जरूर देखिएगा कि 7 डिफरेंट वेज टू मेक योर ROI। मैं अपना एग्जांपल शेयर करूं? जी जी बोलिए। ROI की बात करें तो ROI में मैंने देखा, जब मैंने इस प्रॉपर्टी को लिया तो मैंने ये देखा कि कुछ एक प्रॉपर्टीज थी जिसके अंदर ROI निकल रहा था 3% सिर्फ, अगर उसको रेंट कर दें। कुछ एक प्रॉपर्टीज में अगर उसको रेंट पर देता हूँ मैं तो 4% निकल रहा था। किसी एक प्रॉपर्टी पे ROI निकल रहा था, रेंटर पे निकल रहा था करीब 6%। प्रॉपर्टी में 2 इनकम होती है आपको, एक जो एप्रिसिएशन होती है और एक जो रेंटल वैल्यू उसकी होती है। तो रेंटल वैल्यू का उसकी एप्रिसिएशन से मैंने देखा कि बिल्कुल डायरेक्ट नाता था ROI के अंदर। उसके अंदर जिसके अंदर आपको ROI एप्रिसिएशन उसी के अंदर ज़्यादा होगी जिसके अंदर रेंटल वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में देखी जिसके अंदर हम लोगों को रेंटल वैल्यू मिली थी करीब 10%, और उसके अंदर जो एप्रिसिएशन थी वो भी कहीं ज़्यादा थी। एक मिनट, आप बोल रहे हैं इंडिया में, दिल्ली में किसी एक पर्टिकुलर स्पेस पे जहाँ मेरा ऑफिस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकदम एडजेसेंट, ठीक है, हाँ। इस एग्जांपल की बात हो रही है ना, हाँ। इस एग्जांपल में आप बोल रहे हैं कि दैट प्रॉपर्टी जो थी वो 10% इनकम रिटर्न कर रही थी। मैं बात कर रहा हूँ उसकी रेंटल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी में दो आपकी एप्रिसिएशन, एक तो एप्रिसिएशन छोड़ दीजिए आप, उसको छोड़ देते हैं हम लोग, जो रेंटल वैल्यू से जो मुझे रिटर्न मिल रहा था। सो 10%, क्योंकि कई लोग आए हैं मेरे पास, बोलते हैं कि ये पॉसिबल है ही नहीं इंडिया में। ये एग्जांपल है कि यस, रेगुलर जो लोग हैं ना, जो ट्रेन नहीं है, जो ये वीडियोस नहीं देख रहे हैं, जो करें, वो कहेंगे कि हाँ 3%, 4%। पर अभी अभी अनुराग जी ने बोला है आपको कि 10% प्रॉपर्टी उनको मिली थी। मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बोलिए तभी ट्रस्ट आएगा। हाँ देखिए, जब मैंने आपकी बात से इंस्पायर होकर मैंने जब इन्वेस्ट करने का सोचा तो मुझे पता लगा कि अगर हम लोग उसको लेके बैठते हैं प्रॉपर्टी को तो ठीक है एप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन सेकंड इनकम नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जाए जहाँ पर आपको कुछ रेंट मिले। तो पता चला अगर हम लोग 100 रुपये लगाते हैं तो उस पर 1 साल का रेंटल वैल्यू मुझे मिल रहा था करीब 3 रुपए का। अच्छा 3, तो 3%, हाँ ठीक है। वो था अगर कोई रेजिडेंस लेते हो आप, कोई बना बनाया मकान लेते हो रहने के लिए। फिर पता चला जहाँ मेरा ऑफिस है वहाँ पर मार्केट बहुत बड़ी है, ह्यूज मार्केट है, वहाँ पर फुटफॉल होगी अबाउट 20-25,000 पीपल इन नॉर्थ दिल्ली कमला नगर, 20-25-30,000 पीपल का। तो वहाँ पर क्यों ना शॉप ली जाए। तो पता चला कि अगर शॉप लेते हो 100 रुपये की, 100 रुपये की क्या शॉप अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको रेंटल मिल सकता है करीब 4 से 4.5% जी में, ठीक है। तो दैट वाज बेटर। और ये मैंने देखा कि जब 4 और 4.5 रुपये का आपको रेंटल मिलेगा तो तो उसके अंदर एप्रिसिएशन भी ज़्यादा होगी, उसकी लिक्विडेशन ज़्यादा पॉसिबल है। तो मैंने ये आपकी बात से सीखा कि हर हालत में जिसका रेंटल वैल्यू ज़्यादा हो उसी को लेना है, जिसकी रेंटल वैल्यू कम हो उसको नहीं लेना, क्योंकि उसकी लिक्विडेशन भी पॉसिबल नहीं है, उसकी एप्रिसिएशन भी जो है वो कम होगी। तो दिमाग में हमेशा ये लेके चलो कि किसकी रेंटल वैल्यू ज़्यादा है। कैश फ्लो, पॉजिटिव कैश फ्लो, एब्सोल्युटली कैश फ्लो। तो अब मैंने देखा कि यहाँ से अगर हम लोग शॉप को लेते हैं तो 4-4.5% हम लोग कमा सकते हैं, 5% भी कमा सकते हैं। फिर मैंने एक और बात देखी कि कुछ एक शॉप्स ऐसी हैं जो कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं, अगर उन शॉप को खरीदा जाए, उन शॉप्स को लिया जाए तो वहाँ से हम लोग को रिटर्न मिल सकती है करीब 6 से 7%। और वो भी होती है ना ब्रांडेड। अभी और आगे चलो ना, फिर आप तो सारा मजाक। अच्छा, फिर मैंने एक बात और देखी कि अगर हम लोग ऐसी शॉप्स को लें जो कि ब्रांडेड ब्रांड जो देखते हैं जितने भी यू नो द बेस्ट ब्रांड्स आर लुकिंग टू हैव, फ्रेंचाइज ऐसे हुई फ्रेंचाइज, तो वो लोग जो हैं वो एक तो दे स्टे फॉर लॉन्ग टाइम, दे पे यू मोर, तो उनसे आरओआई जो निकल सकता है 8% निकल सकता है। तो उसके बाद मेरा लुकआउट था फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स कि मुझे ऐसी शॉप लेनी है जो कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हो, जिनको हम लोग ब्रांड को दे सकें, राइट डन। लेकिन फिर एक और चीज़ पता चली, डोंट स्पॉइल, आप सारा स्पॉइल कर रहे हो, ये कॉन्वर्सेशन मुझे आपके साथ में रखनी भी चाहिए थी। फिर उसके बाद पता चला कि नहीं, देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज पिकिंग अप एंड व्हिच कैन गिव यू 10%, और क्योंकि उसके अंदर 10% है, उसके अंदर एप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा है, और नंबर थर्ड उसके अंदर लिक्विडेशन बहुत पॉसिबल है, बहुत जल्दी आप बाय और सेल कर सकते हो। Because we are adjacent to Delhi University North Campus, Kamla Nagar is adjacent to Delhi University North Campus, और यहाँ पर करीब 70-80,000 स्टूडेंट रहता है, और यहाँ पीजी होने चाहिए 1 से 1,500-2,000 पीजी होने चाहिए, है ना, 1 से 1,500 से 2,000 पीजी यहाँ पर हैं, और इतने छोटे भी हैं, ऐसे ऐसे पीजी है 2 या 3 स्टूडेंट रहते हैं, और ऐसे ऐसे पीजी है जहाँ पर 500 स्टूडेंट रहता है। और क्योंकि डिमांड हद से ज़्यादा है, यहाँ पर आरओआई तुम्हें सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो आपके आरओआई को दिमाग में रख करके यहाँ पर मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा लोगों को, ऑडियंस को, एक तो मैंने बताया आपको इनके एक्सपीरियंस से कि हमें आरओआई को देखना है, सबसे ज़्यादा रेंटल जहाँ मिलेगा वहीं पर लिक्विडेशन सबसे ज़्यादा होगी, बहुत जल्दी खरीद करके आप बेच पाओगे, और एप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा होगी। एक चीज़ जो मैंने देखा वो ये है कि हम लोग रियल इस्टेट के अंदर पैसा कहीं नहीं है और पैसा हर जगह पर है। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ दिल्ली, आई एम टॉकिंग अबाउट कमला नगर नॉर्थ दिल्ली, तो यहाँ पर अगर पैसा निकल सकता है तो पैसा हर जगह पे नहीं है, वो हर रेजिडेंस के अंदर नहीं है, हर फ्लैट के अंदर नहीं है, हर फ्लोर के अंदर नहीं है, हर बिल्डिंग के अंदर नहीं, हर प्लॉट के अंदर नहीं है, वो हर शॉप के अंदर नहीं है, वो सिर्फ पीजी के अंदर है जो सबसे ज़्यादा है। इसी ढंग से आप सब लोगों को भी देखना है, आपके हर जगह पर जहाँ पर भी आप हो, आपका ऑफिस, आपका घर है, वहाँ पर पैसा नहीं है और पैसा है। कहाँ नहीं है ये आपको देखना है, कहाँ है ये तो देखना है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा आरओआई हो आप देखोगे तो आपको हर जगह पर पैसा दिखाई देगा। गलती मत करना, नीश करो, जा करके अंदर डूब जाओ कि कहाँ पर पैसा है उसको उठा के लाओ, जहाँ पर आरओआई सबसे ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्ट करना है। आप लोगों ने 3% पे नहीं, 4 पे नहीं, 5 पे नहीं, 6 पे नहीं, 8 पे नहीं, 10 है, अब 12 भी है, वहाँ जाके करना। तो आप देखोगे आपकी एप्रिसिएशन भी ज़्यादा होगी, आप बहुत जल्दी खरीद पाओगे, बहुत जल्दी बेच पाओगे, और आपको रेंटल भी सबसे ज़्यादा मिलेगा। एक चीज़ आप पिकअप कीजिए यहाँ पे, वो ये है कि सेम प्रॉपर्टी उसका यूसेज अगर आप चेंज कर दोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ, जैसे आपने हम लोगों ने थोड़े से डोर्स चेंज किए, हम लोगों ने फर्नीचर को चेंज किया, बाथरूम को थोड़ा सा ठीक किया, फिटिंग्स को ठीक किया, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट किया। yes. लेने से पहले हम लोग तो दिया ही नहीं, मैंने तो यहाँ से लेकर के हाथ पर दे दिया, पैसा इन्वेस्ट किया ही नहीं मैंने, थोड़ा सा पैसा। और ऐसी भी जगह थी, ऐसा भी टाइम है कि अगर आप एम्प्टी प्रॉपर्टी लेते हो जिसमें ऑलरेडी रेंटल्स नहीं है, पीजीस नहीं है, ऑलरेडी पेइंग गेस्ट नहीं है, ये मैं पेइंग पीजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अमेरिका यूएस में ये यूज़ नहीं होता है। सो इट्स बेसिकली स्टूडेंट हाउसिंग। हाँ, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सेम घर है, जैसे समझो एक घर है जिसमें 4 बेडरूम्स हैं, उस 4 बेडरूम को अगर आप रेंट करोगे एक फैमिली को तो उसका रेंट सर्टन अमाउंट आएगा, हो सकता है 5% हमारा आरओआई हो, पर उसी 4 बेडरूम को अगर हम 4 स्टूडेंट्स को रेंट कर दें अलग अलग तो रेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, और रेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो 5% कैन बी 10% और 12% आरओआई। तो आपको ये क्रिएटिवली सोचना है कि इस चीज़ को मैं कैसे यूज़ करूं, कैसे अपग्रेड करूं, कैसे उसमें यूसेज हो कि जैसे आरओआई कैश फ्लो बढ़े, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर जिसको आप बेचेंगे वो ये देखेगा कि इसका कैश फ्लो क्या है। उसके बेस्ड ऑन कैश फ्लो, और बेस्ड ऑन कैश फ्लो उसको अगर दूसरी जगह उसको 3% मिल रहा है, 4% मिल रहा है, आप अगर अपनी प्रॉपर्टी 7-8% में भी बेच देते हो तो आपका जो बेचोगे वो अमाउंट 2-4 करोड़ ज़्यादा ही हो जाएगा उसका, एंड उसको बना बनाया वो रनिंग बिजनेस मिल जाएगा। रनिंग बिजनेस का मतलब है एक प्रॉपर्टी एकदम खाली है और एक प्रॉपर्टी अगर आप चाहते हैं उसको भर दें पीजी से और उसको बेच दें, अपग्रेड करके पीजी से भर दें, प्राइस उसकी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली क्योंकि आपने उसका यूसेज चेंज कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने ये किया, मैं कह रहा हूँ ये एग्जाम्पल है कि आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल में जाए, नेक्स्ट लेवल है कि आपको प्रॉपर्टी फाइंडर्स की लिस्ट बनानी है। प्रॉपर्टी फाइंडर्स की लिस्ट होती है जैसे रियल एस्टेट एजेंट्स हुए, इन्वेस्टर्स हुए, ब्रोकर्स हुए, प्लस आपकी अपनी जो एड अपनी डाल सकते हैं कि I buy properties, cash. दो list. I'm starting with one. Okay. So the list जो मैं बात कर रहा हूँ वो है we're looking for motivated sellers. हमें जब brokers के पास जाना है, किसी के पास जाना है, उनको ये बोलना है कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि immediately they need to close. ज़रूरत है उनकी। और उसके अंदर मैं जब टोरंटो में था तो मैं ये बोलता था, जब मेरे पास पैसा नहीं था मैं ये बोलता था आई कैन क्लोज इन 72 आवर्स। तो लोग डर जाते थे कि आपके पास जब पैसा नहीं है 72 आवर्स कैसे। वो नेक्स्ट पॉइंट है, आप वेट कीजिए उसका। सो प्रॉपर्टी फाइंडर्स में जो कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जो इन्वेस्टर्स के साथ डील करते हैं, और कुछ आपकी रेपुटेशन बिल्ड कर दिए या ऐड डाल दीजिए जो भी है, उसमें बोलिए कि आई बाय प्रॉपर्टीज फास्ट। क्योंकि एक चीज़ है कि अगर रेगुलर पर्सन के पास आप जाएंगे कहेंगे आपको घर बाय करना है, वो तो अपना घर कहेंगे, वो कम में तो नहीं बेचेंगे। अगर सब ठीक ठाक है, मज़े में है, घर है, ही वांट्स मोर, जितने के वैल्यू ही वांट्स मोर। बट हमें ऐसे लोग चाहिए दे डोंट वांट टू सेल, दे नीड टू सेल। द डिफरेंस इज द नीड, कि मेरे को बेचना है, मेरे को जॉब लॉस हो गया है, डिवोर्स हो गया है, मेरे को कुछ नेक्स्ट महीने मेरे को अमेरिका जाना है और मैं ये छोड़ के नहीं जा सकता, आई हैव टू क्लोज एंड इट्स नॉट क्लोजिंग। ऐसी चीज़ों में आप उनसे निगोशिएट कर सकते हैं टू वेज। एक तो है प्राइस रिडक्शन जिसमें भाई मैं पूरा आई जस्ट बाय इट ऑल कैश। मेरे को मालूम है आपने ओनली 10% डाला है, पर हम क्या करते थे कनाडा में, हम क्या करते थे, हम जैसे आपने 10 करोड़ की बात की ना, सो समझो आप रुपीस में ही करते हैं हम, वो समझो एक प्रॉपर्टी है 10 करोड़ की, हम उनके पास जाते थे कि आपकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है, हम आपको 7 करोड़ का चेक अभी लिख के देते हैं आई बाय इट फ्रॉम यू, यू फिनिश। सो 30% डिस्काउंट या फिर 25% डिस्काउंट जो भी है। और दूसरा ऑप्शन ये था कि आपकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है ना, हम 10.5 करोड़ देंगे आपको, ठीक है, पर उसमें हम 5% डालेंगे बस, 95% आप फाइनेंस करोगे। So one is discount, the other is terms. Terms का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि 10 करोड़ वाली प्रॉपर्टी 10.5 करोड़ में ले रहे हो, पर वो 15, 12, 13, 14, 15 करोड़ में बेच सकते हैं by changing the use. So उसमें आपको पैसे की भी ज़रूरत नहीं होगी। और उस टर्म में जो आदमी बोलेगा अरे मैं 20%, 30% डिस्काउंट नहीं देना चाहता हूँ, पर हम उसको बोलते हैं हम आपको और देंगे, बट जस्ट यू हैव टू वेट 6 months, 9 months जो भी है। एंड इस प्रॉपर्टी में यहाँ पे भी होता होगा, उस प्रॉपर्टी में उन्हीं का ही है हक, यू नो आई कैन नॉट सेल विदाउट देम। सो ये जो लिस्ट बनानी है ना, ये जो बनाया है मैंने, इसका मतलब है प्रॉपर्टी की लिस्ट बनानी है, मतलब कैसे आप प्रॉपर्टी अट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास अच्छी डील्स नहीं होंगी ना तो इन्वेस्ट का क्या करेंगे, कुछ नहीं, बोलिए ना। जैसे मुझे पता चला कि पीजी के अंदर जो है आरओआई सबसे ज़्यादा है, अब मुझे ऐसे डिस्ट्रेस्ड या मोटिवेटेड मुझे सेलर्स चाहिए थे जी, और ये मुझे मानता है कि पॉसिबल होगा जब मेरे पास डेटा होगा जी। तो मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला तुम जितने भी यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उन सबके पास जाओ, उनको बोला वी आर वांटिंग टू हैव अ रनिंग पीजी। मेरे पास करीब 15 दिन के अंदर 2 हफ्ते के अंदर हमारे पास 15 पीजी आ गए। उनको विजिट किया, 2 दिन के अंदर हम लोगों ने विजिट कर लिया था 15 के 15 पीजीज को, और 2 दिन के हम लोग को पता चल गया था कि कौन सा डिस्ट्रेस है, कौन सा ज़्यादा है मोटिवेटेड, जिसको कैश चाहिए। अच्छा, तो 15 आपके पास डाटा होगा तब होगा। अगर आप 1 के पास जाओगे, 2 के पास जाओगे, 2 से थोड़ी होगा। आपके पास डाटा होना चाहिए, आपके पास बहुत से लोगों को विजिट करना है, उनमें से बेस्ट को निकाल के लेके आओ। हु वांट्स टू हैव इमीडिएट कैश, जिसको जल्दी से जल्दी बेचना है और बेच करके वो बेचा चाहता है, जो बेचा चाहता होगा वो ऑब्वियसली 10% कम में 15% कम में आपको प्रॉपर्टी दे देगा। जी, और मेन चीज़ है कि मैं आपको ये समझा देता हूँ कि सब हम लोगों ने एक बात और की थी, बोलिए, कि चाहे वो मोटिवेटेड था, उसको कैश चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने उससे टाइम लिया। जी, टाइम लेना जरूरी है। अगर आप टाइम नहीं लोगे तो आपको सारा का सारा पैसा देना पड़ेगा। जी जी, सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हम लोगों ने उनसे टाइम लिया, 10% दे करके, ताकि हमको टाइम मिले, हम लोग उस पैसे में उस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट ना करें, यहाँ से लेकर उसको और दे दें उसी टाइम में, तभी आपके पास 20 टाइम्स की आपके पास लेवरेज आएगी, अदरवाइज नहीं आ पाएगी। आप जो आप इतना पैसा कमा पाओगे तभी कमा पाओगे। अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, सारा का सारा पैसा उठा के इन्वेस्ट कर दोगे, फिर कैसे कमाओगे आप? सी, ये कॉन्सेप्ट मेनली इंडिया में है, जो कि सारा पैसा डाल दें, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, 1 करोड़ डाल दिया, समझदारी नहीं है। नहीं, पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली अमेरिका कनाडा में क्या है कि ये कोई करता ही नहीं है। एक्चुअली ज़्यादातर क्या होता है कि 10-20% डाउन डालते हैं, हाँ, और बाकी कहीं और से पैसा आता है। एग्जैक्टली, राइट। एंड देन अगर उसको आगे दे दो ना, उसको लो, और आपके पास एक लिस्ट, दूसरी लिस्ट अभी आप बात करेंगे। हाँ हाँ हाँ। सो ये जो प्रॉपर्टी जो आप बनाएंगे, इसके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी बता रहे थे अनुराग जी, वो ये है कि ये ना सोचिए कि आप पहले इंसान के पास जाएंगे, वो बोलेगा हाँ ले लो मेरी प्रॉपर्टी सस्ते में, ले लो, नहीं लेना उससे। या नहीं, मेरे क्या, मैं कह रहा का मतलब है, मोटिवेटेड सेलर्स जैसे आपने बोला 15 लोग थे, हाँ, 15 में से एक आया ना आपके लिए। हाँ। सो कभी कभी आपको 20 भी 25 भी लोगों के साथ, हाँ, मिलना पड़े, अगर मोटिवेटेड सेलर, और इनमें से एक मिल जाए जिसमें आप 25 लाख 50 लाख करोड़ रुपए या जो भी कमा सकते हैं, इट्स वर्थ इट, इट्स वर्थ इट। क्योंकि आपके देखो 1 करोड़ बचाना, यू नो, कमाना नहीं, 1 करोड़ बचाना, क्योंकि सूनज यू फ्लिप इट, बच के, बोलिए। आई एम वेरी एक्साइटेड। ये 15 प्रॉपर्टीज को जो हम लोगों ने विजिट किया जी, इतने सारे प्रॉपर्टी डीलर से मिले, बहुत नॉलेज मिली जी, गुड, पता लग गया कि कौन सी प्रॉपर्टी कितनी है, किसकी क्या वैल्यू है, कौन सी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, कहाँ पर बच्चे ज़्यादा आएंगे, कौन सा जो है वो नाले के पास में है जहाँ से आरवाई कम मिलेगा, कौन सा है जो मार्केट के पास में है, कौन सा है जो एकदम मेन रोड पर है, कौन सा है जो एकदम सक्लूडेड है जहाँ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कहाँ एकदम रूफ टॉप पर उनके पास उनका कैफेटेरिया बना हुआ है जहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है। पता चला कि जो भी लिफ्ट, अगर आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी ली है जहाँ पर लिफ्ट जो है वो 1st फ्लोर से स्टार्ट होती है, वहाँ पर अरवे नहीं मिलता। राइट। अच्छा, वो सब प्रॉपर्टी जहाँ पर लिफ्ट ही नहीं है, हाँ, वहाँ पर जाने को तैयार नहीं है, वहाँ पर आपको रेंटल जो है कम मिलेगा, 1 पर बेड जो आपको कम मिलेगा। तो वी हैव कम टू नो कि लिफ्ट होनी चाहिए, लिफ्ट जो है एकदम नीचे से जानी चाहिए, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो किसी भी हाथ में नाले के पास नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा क्राउडेड में हुआ तो बच्चे पसंद नहीं करते, ऐसा हुआ तो नहीं बच्चे पसंद करते, ऐसा हुआ तो नहीं करते। तो विजिट कर करके हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया, उनमें से एक डिस्ट्रेस को निकाला, एक मोटिवेट को निकाला, तो जाके बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हम लोगों ने यहाँ से लेकर के उसको दे दिया। तो ये आपको, जब आप बहुत ज़्यादा लिस्ट आपके पास होगी तो उनको विजिट करके खोपड़ी लगा करके हो जाएगा। और ये एक एजुकेशन हुआ, जैसे हमने बोला ना, एजुकेशन इनके पास कहाँ से आई? बाय वर्किंग, कुछ एक्सपीरियंस से। और अगर आप सीख रहे हो, आपने दी, थैंक यू। और अगर आप सीख रहे हो तो उन लोगों से सीखो जिन्होंने कुछ किया है, राइट, दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठोगे और कुछ नहीं करोगे और पैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी। यू हैव टू ऐड वैल्यू टू द वर्ल्ड, एंड वर्ल्ड की वैल्यू ये है कि आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, मोटिवेटेड सेलर को भी फ़ायदा होगा। क्यों होगा फ़ायदा? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है या कोई प्रॉब्लम है उनके पास, दे वांट टू सेल, उनका सो उनकी भी मदद हो रही है। हाँ, बिल्कुल हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? और सभी की हो रही है, उस एरिया की मदद हो रही है, क्योंकि आपने उस प्रॉपर्टी को शायद अपग्रेड किया तो उस एरिया का भी अपग्रेड हो गया। जो स्टूडेंट्स उसमें रह रहे हैं उनके पास बेटर हाउस है रहने के लिए, तो उनके लिए भी मदद हो रही है, पूरे वर्ल्ड की मदद हो रही है, पूरे कंट्री की मदद हो रही है। हमारे अपॉर्चुनिटी ये भी थी, क्योंकि कोविड था, स्टूडेंट्स एकदम हॉस्टल जो थे खाली थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं हुई थी। अच्छा, एडमिशन तो अब जाके हुई है, अच्छा, सीईटी के कारण से एडमिशन बहुत लेट स्टार्ट हुई है हमारी दिल्ली के अंदर, अभी नवंबर से स्टार्ट हुई है एडमिशन होना। तो उस टाइम पर एकदम खाली थे पीजी, ये सितंबर की बात है, ये जुलाई अगस्त सितंबर की बात है, एकदम खाली थे। हम लोगों ने जल्दी से उसको थोड़ा सा परमिशन लेकर के हमने रेनोवेट किया अपने हिसाब से, देने से पहले, और आराम से उसको उठा के दे दिया। तो लिस्ट जो है वो होनी जरूरी है, जी, और लिस्ट में भी अगर आपके पास टाइम है तो खुद जाओ, नहीं तो किसी एक एम्प्लॉय को लगा दो, किसी एक एम्प्लॉय को लगा दो, और इजी है। और कॉन्ट्रैक्टर भी, आई मीन ऑनलाइन आप किसी इंसान को टेम्परेरी भी हायर कर सकते। हाँ, I gave half a percent to him. Yes, okay. अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं जो आप बार बार मेरे को कहने की कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। अब मैं ये बताऊं आपको कि जब पहले साल 77 प्रॉपर्टीज़ मैंने बाय की थी, उसमें से ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ नो मनी डाउन थी। नो मनी डाउन का मतलब ये होता है कि मैंने अपने पैसे नहीं डाले। अगर आपने शार्क टैंक देखी है, इंडिया शार्क टैंक जो अमेरिका से शो आया है, शार्क टैंक में क्या होता है कि एक आदमी के पास आइडिया होती है, बिजनेस आइडिया होती है या प्रोडक्ट होता है या सर्विस होती है, और शार्क्स जो बैठे हैं वो इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली, और ये इसको शार्क्स को पिच करते हैं। अगर शार्क्स को पसंद आए सो जो आइडिया लेके आया है वो कुछ नहीं डालता है जनरली स्पीकिंग, और जिसने पैसा डाला है 100% मनी कैन बी गिवन टू देम। सो रियल स्टेट इज़ सिमिलर, रियल स्टेट सिमिलर। क्या हुआ कि अगर हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है जो डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी है, तो हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो पूरे 100% पैसे डालते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या डील है। कि कभी कभी वो डाउन पेमेंट डाल देते हैं और बाकी बैंक से आ जाता है, और कभी कभी वो पूरा पैसा दे देते हैं हमें कि हाँ भाई हमें 6 महीने के बाद पैसे चाहिए। जैसे आपका एग्जांपल था 6 महीने का, तो उसमें क्या है कि एक प्रॉपर्टी बाय करेंगे, उसको अपग्रेड करके फिक्सअप करके उसमें जैसे पीजी एग्जांपल दिया, उसमें रेंटर्स भर के फिर हम उसको फ्लिप करते हैं, और उसमें हमारा जो पैसा लेके आता है उसको 100% या जो परसेंटेज हम उसको बोलते हैं वो मिल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम उनसे पार्टनरशिप कर देते हैं। पार्टनरशिप क्या होता है कि भाई इस प्रॉपर्टी में हमको 2 करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा, सो आपको 50% उसका मिल जाएगा 1 करोड़। अब उसने अगर 1 करोड़ डाला है और उसको 1 करोड़ मिलता है, सो दैट्स 100% ROI, राइट, विद इन 6 months और सो, राइट। तो 6 मंथ्स के अगर मिलता है तो 100% मिलता है, तो 200% कहीं ज़्यादा है, 200% हो गया ना, 200%। या सो कहने का मतलब ये है कि ये जो लिस्ट है ना, लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर, वो आपको बनानी है राइट अवे। और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को कोई नहीं जानता, मेरा भी ऐसे ही था, कोई नहीं जानता था, मैं मेरे पास क्यों लोग आएंगे कैसे करने के, वो आज अभी मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूँ आपको बताने के लिए। ये जो लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स है ना, और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आप ध्यान से लिख लीजिए, COIs। COIs का मतलब है सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस, सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस। सो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस कौन होते हैं? सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस होते हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, स्पीकर्स, ऑथर्स, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, वो उनकी रिलेशनशिप अलग इन्वेस्टर्स के साथ होते हैं। जैसे हमारी जो कंपनी है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लब, लॉट ऑफ पीपल बिकम मेंबर्स क्योंकि आई एम वन, मेरे को भगवान ने वो दिया है कि आई एम वन ऑफ द सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंसेस। मेरे पास ऐसी रिलेशनशिप्स हैं जिनके पास लाखों करोड़ों डॉलर्स की मतलब एक्सेस है। सो अगर आपकी रिलेशनशिप मेरे से बनती है, हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, तो जो लोग मेरे पीछे हैं, जो जिनके पास करोड़ों, इवन आई हैव अ बिलियनर इन्वेस्टर जो केविन हैरिंगटन फ्रॉम शार्क टैंक है, वो मेरा दोस्त है। अगर आप मेरे दोस्त बन जाते हैं, दैट मीन्स यू बिकेम फ्रेंड्स विद दैम, यू बिकेम फ्रेंड्स विद दैम। सो सेंटर एक तो है मेकिंग अ लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर वन बाय वन, दूसरा है मेकिंग अ रिलेशनशिप विद सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस। एक सेंटर, वन सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी थी, वन। उसके पास एक्सेस 2005 में मेरे जो 77 प्रॉपर्टीज थी ना, मेरे पास एक सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस था जिसने उस साल मेरी ज़िंदगी चेंज की थी। उसके बाद नाउ आई नो सो मेनी सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंसेस, पर उन दिनों एक सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस था जिसने कहा कि हाँ ये अच्छा काम कर रहा है, मैं इसके साथ करूँगा। और एक चीज़ उसमें ये होती है जब इन्वेस्टर की, वो होता है ट्रस्ट वर्दीनेस जो होना होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। सो ट्रस्ट नहीं होगा तो विल नॉट बाय, विल नॉट बी इन रिलेशन विद यू, नो। एंड कोई भी बिजनेस, बड़ी बिजनेस नहीं बन सकती है। सो इवन अगर आप पानी लेते हैं और एक सर्टेन ब्रांड का पानी हमेशा पीते हैं, वो इट्स अ ट्रस्ट, इट्स अ ट्रस्ट। कभी कोई मूवी स्टार को आपने देखा है कि मैं ये खाता हूँ, ये करता हूँ? व्हाई बिस्लेरी? Yeah, we don't want to, I didn't want to advertise this lady. उन्होंने पे नहीं किया है अभी तक। क्यों आपने देखा होगा बॉलीवुड स्टार कोई चीज़ लेके बोलेंगे मैं ये यूज़ करता हूँ, पर इन रियलिटी दे डोंट। क्यों? बिकॉज हमारे एक्टर्स को हम लाइक करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। So then we trust the brand. So brand value जो हो जाती है उसकी बढ़ जाती है। So आपको अगर list of investors बनाने हैं ना, पहली चीज़ आपको ये करना है, आपको ये देखना है कि जो investors हैं कहाँ पे यूजली हैंग आउट करते हैं, कहाँ पे मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? BNI में मिल सकते हैं, आपको रियल एस्टेट क्लब्स में मिल सकते हैं, जो कि हमारी क्लब जैसी है उसमें मिल सकते हैं, कोई भी रियल एस्टेट क्लब में मिल सकते हैं एक्चुअली। और जहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स हो रही है ना रियल एस्टेट की, आपको वहाँ जाना है और वहाँ पे उनके साथ आपको नेटवर्क करना है। कैसे नेटवर्क करना है? सो एज एन एग्जांपल कि सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस और इन्वेस्टर्स को कैसे करना है। हमारा एक इवेंट आ रहा है अभी सूरत में आ रहा है, जिसमें दीपक चोपड़ा जी अमेरिका से आ रहे हैं, गौर गोपाल दास जी आ रहे हैं, सुनील शेट्टी जो बॉलीवुड स्टार हैं, स्नेहा देसाई जी हैं, और मैं तो वहाँ होंगे ही होंगे। और जैसे 9th, 10th and 11th of December फ्राइडे नाइट को हमारे एक स्पेशल एक्सक्लूसिव स्मॉल ग्रुप का डिनर है नेक्स्ट वीक। और उस ग्रुप में क्यों लोग उस टिकट को बाय करके आएंगे? बिकॉज इसलिए नहीं कि भाई सिर्फ चलो खाना खा लिया, वो तो ठीक है कोई बात नहीं, नेटवर्किंग, कनेक्शंस, एक्सेस। वहाँ पे जब लोग आएंगे ना, जब आप मेरे से मिल सकते हो फेस टू फेस, अगर मेरे को लगेगा कि भाई आप इनसे मिलना चाहिए या उनसे मिलना चाहिए, तो मैं बोलूँगा आप दोनों को करना चाहिए कुछ साथ। सो जो वो कनेक्शंस है ना, वो आप 10 साल में 20 साल में भी नहीं कर सकते हो जो उसमें होंगे। सो एज एन एग्जांपल ये बहुत, इसका नाम है ग्रोथ समिट, उसके इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में डाल देंगे। और ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि आपको जाना है जहाँ पे लोग वो बैठे हुए हैं, ये वो रास्ते में तो मिलेंगे नहीं आपको, वो वहाँ मिलेंगे जहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ इवेंट हो रहा है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इवेंट में आप जा रहे हैं और उसमें फ्री चार्ज है, फ्री है एकदम, तो चांसेस कि आप उन लोगों को वहाँ मिलेंगे इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। क्यों? क्योंकि फ्री में वाले जो इवेंट्स होंगे ना, उसमें नेटवर्किंग का अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, बहुत कम होता है। I firmly believe free is bad for you. It's आपकी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लॉस हो रही है, कुछ ना कुछ लॉस आपका है। कोई क्यों आपको फ्री देगा? कोई फ्री दे रहा है तो उसके पीछे उसका कोई बेस्ट इंटरेस्ट है। फ्री के पीछे मत जाओ, पे करके जाओ। एंड मेरा देखिए, मैं गरीब फैमिली से हूँ एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड नाउ, बट गरीब फैमिली से हूँ। मेरे को मालूम है कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, और आपको अगर शुरुआत करनी है फ्री इवेंट से, कोई बात नहीं, शुरू करिए। बट अगर आप पेड इवेंट में जाते हैं ना, बेटर है, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा लेवरेज होगा और ज़्यादा रिलेशन मिलेंगे, ज़्यादा क्लोजर होगे, ज़्यादा आगे आ पाओगे, ज़्यादा उन लोगों से मिल पाओगे। उन जो लोग वहाँ पर आएंगे वो मोर सीरियस होंगे क्योंकि उन्होंने पे किया है। और चांसेस आर जो लोगों के साथ इन्वेस्ट, जो फ्री वाले लोग आएंगे वो आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो आपको सोचना है। सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस वहाँ पे आएंगे कि नहीं आएंगे। जो फ्री वाले हैं उनको भी सोचना है कि उनके पॉकेट में नहीं है पैसा, यार उनका पॉकेट में नहीं है, तो अपनी मीन्स एंड मोड्स में जितना वो कर सकते हैं फ्री में जाओ, पैसे को अर्न करो, उसके बाद पेड में जाओ। जी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको इन्वेस्टर्स की लिस्ट बनानी है। और जब मैं लोगों को बोलता हूँ तो रेगुलर पीपल बोलते हैं कि और लोग कर सकते हैं पर हम नहीं कर सकते हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने किया है और हज़ारों लोगों को मैंने सिखाया है कि कैसे कर सकते हैं। तो लिस्टें दो हो गई ना, एक बायर्स की और एक सेलर्स की, हाँ हाँ। तो ये लिस्ट जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो इन्वेस्टर्स या बायर्स की कर रहा हूँ। इन्वेस्टर्स एंड बायर्स सिमिलरली लिस्ट है, मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे को बाय करनी है आपसे, कुछ लोग बोलेंगे कि आपके साथ इन्वेस्ट करना है। बॉटम लाइन है कि ये लोग वो हैं जिनके पास पैसा है, जो इन्वेस्ट करेंगे आपके साथ या आपसे प्रॉपर्टी वो बाय करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मोर इम्पोर्टेंट ये है कि सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस से आपको रिलेशनशिप बनाने हैं, जेन्युइन रियल ऑथेंटिक रिलेशनशिप बनाने हैं, जैसे कि उनके साथ आप मिल सकें और उनके साथ आप बिजनेस कर सकें। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि इन्वेस्टर्स एंड सेंटर इन्फ्लुएंस को भी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि इनके पास अगर पैसा है तो वो बैंक में नहीं रखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि 2%, 4%, 5% कमाएं, वो चाहते हैं कि अच्छे डील्स आएँ, अच्छी जगह पे हम इन्वेस्ट कर सकें। पर वो क्या देखने हैं? वो ढूंढ रहे हैं ट्रस्टवर्दी सोर्सेस, ट्रस्टवर्दी इंसान जो है कि वो उनकी मदद कर सके, जिसको वो अगर वो बोले कि भाई हाँ ये प्रॉपर्टी अच्छी है, तो आपको लगे कि चलो हाँ इसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, मेरे पैसे नहीं डूबेंगे। ऑफकोर्स वो अपनी ड्यू डिलिजेंस तो करेंगे, पर ट्रस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लिस्ट बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कैसे बनाएंगे आप? एक तो ऑनलाइन बना सकते हैं, जैसे लिस्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने यूज़ किया था लिंक्डइन में। क्या था कि हमने ऐसे रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपने नाम के नीचे रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स funders, टॉप इन्वेस्टर्स, कैपिटल रेजर्स, ऐसे ऐसे लोगों की हमने एक लिस्ट बनाई, फिर उनके साथ कनेक्ट किया, फिर उनको ईमेल भेजा, फिर उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें ये नहीं बोला कि हमें पैसा चाहिए, उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्टर हैं। जब वो बोलते थे कि हमें एक डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी चाहिए, तो हम उनको बोलते थे अगर मेरे पास कोई डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी आती है क्या मैं आपके पास भेज सकता हूँ वो। सो जब वो बोले हाँ, टिक मार्क हो गया एक आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी। तो कम से कम हमने क्या किया था, 100 लोगों की लिस्ट बनाई। उन 100 लोगों को एक ही बार ईमेल किया एक ही प्रॉपर्टी के लिए कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी में ये आरओआई है, इसमें मतलब इसमें इतना पैसा आप कमा सकते हो। और ये ईमेल 100 इन्वेस्टर्स के पास जा रही है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो क्या हुआ कि एक ही प्रॉपर्टी 100 लोगों के पास जाती है, उन्हें पता है 100 लोगों के पास जाती है, तो उन्होंने 100 में से अगर 20 लोगों ने भी 20% ने भी रिस्पॉन्ड किया तो वो लड़ रहे थे कि मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। तो ये आइडिया मेरे को पास आई, तो मैंने कहा ईमेल पे ऑक्शन किया, समझो आप, समझ रहे ना आप, ईमेल पे। क्योंकि इन्वेस्टर्स को जब उनको लगता है कि मेरे को नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, नहीं मिलेगी, तो वो लड़ते हैं उसके लिए। सो फिर हम क्या करते थे, जब एक इंसान को हम उसके साथ उसको प्रॉपर्टी दे देते थे, फिर वो 100 लोगों को वापस ईमेल करते थे कि ये प्रॉपर्टी पिछले 10 घंटे में ही चली गई, सॉरी आपको नहीं मिल पाई। फिर दूसरी लिस्ट बनाते गए, लिस्ट बनाते गए। सो 100 लोग से 200, 200 से 500, 500 से 1000, 1000 से 5000, 5000 से 10000, 10000 से 20, 30000 लोगों की लिस्ट बनाई हमने ओवर अ पीरियड टाइम। सो आपको सिर्फ 100 की देखनी है अभी, सिर्फ 100। लेट्स स्टार्ट विथ 100। और कहाँ से मिलनी है, ऑनलाइन हो गया, दूसरा हो गया जो भी रियल स्टेट इन्वेस्टिंग कोर्सेज, ट्रेनिंग, एक्सपोज जो भी हो रहे हैं आपकी एरिया में, कहीं पे भी, चाहे दूसरी सिटी में आपको जाना पड़े, वहाँ जाओ, आप उन लोगों से मिलो, उनके नेम एंड ईमेल लो। उनसे ये नहीं बोलो कि मेरे को पैसा चाहिए। मेरा सबसे बड़ा ये चीज़ है कि बहुत बड़ी गलती है लोग करते हैं, जब लोग मेरे से मिलते हैं तो मिलके बोलते हैं, पहली चीज़ वो बोलते हैं सर 5 करोड़ की ज़रूरत है, दे दीजिए 5 करोड़। सर मैं आप मेरे लिए ये कर सकते हो, सर हमारे गांव में 5 बीघा ज़मीन है, उसको ख़रीद लो आप। अब मेरे को मालूम नहीं है गांव कौन सा है, बीघा ज़मीन की वैल्यू क्या है क्या। सो कहने का मतलब ये है कि आप सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस या इन्वेस्टर्स के पास ये कहने के लिए नहीं जाओ कि आपको ये करना पड़ेगा मेरे लिए। उनके पास जाओ और बोलो मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। सो वो कैसे करते हो, अगर आप मेरे पास आते हैं, अगर आप अपने इंटरेस्ट की बात करोगे तो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस आपके पास नहीं आएगा, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हिज इंटरेस्ट, उसके फायदे की बात करोगे तभी तो आपके साथ में जुड़ेगा, राइट। लालों की तरह ला। और बहुत बड़ी बात यह है कि 99% जो लोग मेरे से मिलते हैं और जो मेरे दोस्त हैं जो अमीर हैं उनसे मिलते हैं, 99% वो मेरे को बोलते हैं आते ही, सर हमने आपको फॉलो किया, हमने आपको यहाँ देखा गया, अच्छा मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है, आप ले लो, राइट। इमीडिएटली मैंने उनको सिखाया है कि नहीं करो वो, पर वो ही करते हैं। क्योंकि कभी कभी हमको लगता है कि हम अपने बेनिफिट के लिए मतलब अपना देखें, उसको छोड़ दें। आपको मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ी बात यह, मैंने टोनी रॉबिन्स, ग्रैंट कार्डोन, रॉबिन शर्मा, दीपक चोपड़ा, पता नहीं कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एंड ट्रेनर्स के साथ काम किया है, जैक कैनफील्ड हुए, ब्रायन ट्रेसी हुए। लूज विन सिचुएशन का मतलब होता है कि पहले यूजली यू लूज एंड दे विन। उसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक इवेंट कर रहा हूँ, अगर आप मेरे पास आए, आप बोलेंगे सर मेरे को ना आपके इवेंट में आके फ्री में काम करना है, वॉलंटियर करना है पूरा दिन, दैट्स अ लूज विन सिचुएशन। क्यों? क्योंकि आपने पूरा दिन आपने बोला मैं आपके साथ टाइम दूंगा, आप मेरे को पे नहीं करना है, आपको पहले आप दे रहे हो। हाँ, दे रहे हो। बिजनेस में पहले इन्वेस्ट करोगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। और आप तो ये सोचो कि प्रॉफिट नहीं आएगा, राइट। और जब आप वहाँ पहुँचेंगे और मेरे को पता चलेगा कि ये इंसान आज आया है 10-12 घंटे हमारे लिए काम कर रहा है फ्री में, तो मेरे को भी कोई मेरे को टीम में बताएगा कि ये आदमी फ्री में काम कर रहा है, तो मैं भी जाके उससे मिलूंगा। सो रिलेशनशिप स्टार्ट वहीं हो जाता है। सो लूज विन सिचुएशन का मतलब ये है कि यू लूज फर्स्ट, दे विन फर्स्ट। स्पेशली जो लोग आपसे 10 स्टेप्स आगे हैं ना, उसके साथ विन विन सिचुएशन नहीं होती है, उसके बाद लूज विन सिचुएशन है। सो लूज विन सिचुएशन आप क्रिएट करिए और पता कीजिए कि उनको क्या चाहिए। और एक और चीज़, अगर आपके सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस की किताब लिखी है, अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया, उनकी किताब बाय कीजिए प्लीज़, उनकी किताब बाय कीजिए। गुड बुक्स आ जाओगे आप। हाँ, टू बाय अ बुक यू कम इनटू द गुड बुक्स। लूज विन सिचुएशन आपको करनी है। सो मैं एक बार मैं सेंट्रल यूनिवर्स के पास गया 18 साल पहले, जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था, मुझे लूज विन का पता नहीं था। सो मैंने उसको बोला कि मेरे लिए आप ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो। उसने बोला कि मेरी किताब ये निकली है, तो मैं उसकी किताब ली हाथ में, मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी किताब है, चलो किसी और दिन मैं ले लूँगा। फिर मेरे को गुस्सा आया कि वो उसने मेरे साथ रिलेशन क्यों नहीं बनाए, ये आदमी बहुत अमीर है, ये खराब आदमी है, मेरे को ऐसा लग रहा कि ही इज़ रूड, है ना। सो उस टाइम ये होता। फिर मेरे को मेरे मेंटर ने सिखाया कि यू हैव टू डू समथिंग फॉर देम, एंड उसमें आपको ये करना है कि आज के बाद। एक बार मैं आपको बताऊं कि मैं अमेरिका में मिशिगन में गया था इवेंट में। उस इवेंट में मैं एक शार्क या इन्वेस्टर का रोल कर रहा था। आई वाज सिटिंग एज इन्वेस्टर। लोग पिच कर रहे थे इन्वेस्टर्स को कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, अगर आपको इन्वेस्ट करनी है तो। मैं बैठा था, मैंने लोगों को लूज विन सिचुएशन सिखाई, मैंने सब कुछ सिखाया। मैंने कहा ऐसे आप मेरे को इन्फॉर्मेशन पैकेज भेजो, क्योंकि इन्वेस्टर्स के ना एक बिजनेस प्लान या इन्फॉर्मेशन पैकेज होता है जो हम अपने मेंबर्स को सबको देते हैं, वो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक होता है। सो मैंने उनको सब सिखाया। वो मेरे को याद है, वो ब्रेक हुई, ब्रेक में मैं वाशरूम में गया, और वाशरूम में गया तो मैं एक मैन का जो यूरिनल होता है, मैं वहाँ पे खड़ा के, मतलब वाशरूम में था वहाँ पे। सो एक आदमी आया पीछे से, उसने बोला कि मेरे को मालूम है कि सुनील तो बिजी हो जाएगा बाद में, सो वाशरूम में वो भागा मेरे पीछे, और वो मेरे पास यहाँ पे आके खड़ा हो गया जब मैं वाशरूम कर रहा हूँ, और मेरे को बोलता है, सर कैन यू गिव मी $1 million। अब आदमी हिल भी नहीं सकता है कि भाई, घूम भी नहीं सकता है उसको देखने के लिए, है ना। जी, एक ब्रायन ट्रेसी के साथ मैंने, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है, ये मेरे मेंटोर भी हैं और मेरे फ्रेंड भी हैं, और इसका सीक्रेट टू वेल्थ, ये किताब आप अमेज़ॉन में देख लीजिएगा, कहीं पे भी जस्ट आप मेरा नाम डाल दीजिए, आपको 6-7 बुक मिल जाएंगी वहाँ पे। यू कैन लुक एट दैट। पर मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप लूज विन सिचुएशन करेंगे ना, चाहे वो बिजनेस में हो, रियल एस्टेट में हो, लाइफ में हो, फ्रेंडशिप में, हर जगह काम आएगा। फ्रेंड चाहिए, यस चाहिए फ्रेंड्स, पहले खुद एक फ्रेंड बनो। यस, प्यार चाहिए, पहले प्यार दोगे तो मिलेगा ना यार, right. देना तो सीखो यार। तुम लोग क्या करते हो, चाहिए ला ला ला, दो नहीं चलता ऐसे। एब्सोल्युटली आई एग्री, 100% आई एग्री विद यू। देना पड़ेगा पहले, हर चीज में, हर जगह पर, पर्सनल रिलेशन में, सोशल में, सोसाइटी के अंदर, प्रोफेशन में, किसी भी जगह पर आपको पहले देना पड़ेगा। अच्छे बिल्ड रिलेशन बनाओ, उसके लिए खुद एक एक्स्ट्रा माइल चलो। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेप है, नंबर 6 है, मैंने लिखा है मेंटोर। मैं पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ट्रेन करता हूँ, कभी भी एक इंसान ने मेरे को बोला नहीं है कि नहीं मेंटोर की ज़रूरत नहीं है मेरे को। 99.999% की बात कर रहा हूँ मैं कि मेंटोर क्या है कि अगर आप 5000 साल पहले अगर आपको वॉरियर बनना है तो क्या करते थे, आप मेंटर ढूंढते थे, और वो गुरु या वॉरियर है उसको से सीखते थे, वो सिखाता था, क्योंकि वो वॉरियर है वो सिखाता था। सो एक तो है एजुकेशन आप बुक से ले सकते हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग से ले सकते हैं आप किसी पर। मेंटोर इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ रिलेशनशिप, वो दूसरा लेवल है। उससे कभी कभी आप छोटे ग्रुप में या 1-on-1 उनसे अगर आपको सीखने का मौका मिले, देन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्या आता है कि अगर आपको वॉरियर बनना है, वॉरियर से सीखो, ट्रेनर बनना है, ट्रेनर से सीखो, रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनना है, रियल एस्टेट इन्वेस्टर से आप सीखो। उनको पूछो कि क्या करना चाहिए जो दे कम इन टू योर लाइफ, और बोले कि मैं आपको स्टूडेंट, जैसे अगर आपको ब्रूस ली से सीखना है, ब्रूस ली विल नॉट एक्सेप्ट एवरीबॉडी, सर्टेन लेवल ऑफ स्टूडेंट चाहिए उनको। सो आप जिस लेवल के स्टूडेंट होंगे ना, उस लेवल के मेंटोर आपकी ज़िंदगी में आएंगे, और जिस लेवल के स्टूडेंट आप बनना चाहते हैं उस लेवल के मेंटोर आपकी ज़िंदगी में आएंगे। यू विल अट्रैक्ट देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेंटोर इज़ अ सीक्रेट दैट एवरीबडी नोज कि करना चाहिए, पर ज़्यादा लोग मेंटरशिप में नहीं करते हैं। क्यों? कहते हैं बहुत महंगा है, या 1-on-1 नहीं, मैं मेरे को सब पता है, आई नो एवरीथिंग, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ एटीट्यूड। मैं उनसे सिर्फ ये कहता हूँ कि आपके बैंक अकाउंट क्या कहता है। यू नो, आपका व्हाट इज दिस योर बैंक अकाउंट सेज। अगर आपके पास सब कुछ है जो आप चाहते हैं, देन यू डोंट नीड एनी दिस, फिर तो ठीक है। पर अगर आप हंग्री हैं, आपको भूख है, और आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, लोगों की मदद करनी है, पैसे बनाने हैं, देन मेंटोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मेंटोर कई तरीके से ले सकते हैं. एक तो आप यू पे फॉर देम, दूसरी है कि आप उनकी सर्विस में उनकी हेल्प कर रहे हैं, एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ बार्टरिंग सर्विस भी हो सकती है कि भाई ठीक है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बार्टर. और कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि फ्री में, क्या मेन चीज़ ये है एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होनी चाहिए, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होनी चाहिए. जब आप मेंटी हो ना तो मेंटर को डबल वैल्यू दो, आप ट्रिपल दो, 10 फोल्ड. देयर यू गो. सो ये बहुत जरूरी है. अब मैं फायदा मिलेगा वो आपके साथ जुड़ेगा ना, वो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो एक HNI है. Yes. HNI जो है सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस, जो आपके पास क्यों आएगा, कौन हो आप यार, क्यों आएगा आपके पास. रिलेशनशिप्स, आर का मतलब रिलेशनशिप हुआ है, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये फेक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑथेंटिक रियल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, जो अगर बिजनेस ना होता तभी भी आप उसके साथ घूमने जाते, खाने जाते, खेलने जाते, जो भी करते. पर ये जो दोस्त बन जाते हैं ना, ये रिलेशन COI को भी दोस्त चाहिए, HNI को भी दोस्त चाहिए, इन्वेस्टर्स को भी दोस्त चाहिए, पर उनको चाहिए जिसके साथ रिलेशनशिप हो, जिनको लगे कि अगर आप सिर्फ उनके पास पैसे के लिए नहीं आए हो, there's other reasons other than that. क्योंकि मेरा क्या इस पोजीशन में गया, अगर मेरे को किसी इंसान के साथ काम करना पसंद नहीं है, whatever reason, so I don't do, मैं नहीं करता हूँ. आप भी ऐसे कीजिए, आप भी ऐसा कीजिए कि ऐसा मेंटर ढूंढिए जो मेंटर उस रूम में आपके आता है तो आपका दिल खुश हो जाता है, आप खुश हो जाते हो कि मेरा 1 घंटा, 1 मिनट, 1 दिन अब बिल्कुल चल रहा है. एक मेंटर के साथ 1 घंटा बताना कभी कभी पूरी यूनिवर्सिटी डिग्री से ज़्यादा हो सकता है ना. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो मेंटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़. जो मैं लास्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, वो सबको पता है पर कई लोग नहीं करते हैं, और वो ये है एक्शन. नाउ लोग बोलेंगे नहीं हमें एक्शन आता है, पूरा आता है, राइट? पर मैं जो एक्शन की बात कर रहा हूँ वो नहीं जो आपको स्कूल में सिखाया गया है कि हर टी को क्रॉस करना है, हर आई को डॉट करना है, हर चीज़ को देखना है, सितारे ऊपर जो हैं वो सारे लाइंड अप हो गए हैं, सन सही तरह 24 डिग्री का टेम्परेचर आया है, सब ठीक ठाक होगा तब मैं जाके एक्शन करूँगा. वो एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वो उस एक्शन की बात कर रहा हूँ जब आप अनकम्फर्टेबल होंगे, उस एक्शन की बात कर रहा हूँ जब आप थोड़ा डर जाएंगे, उस एक्शन की बात कर रहा हूँ कि जिस जोन में है, नेक्स्ट जोन में जाने के लिए आपको थोड़ा डर लगेगा, आपको लगेगा मैं नहीं करूँ, लोग बोलेंगे पागल हो, नहीं करो. उस एक्शन की बात कर रहा हूँ, उस एक्शन की बात कर रहा हूँ जब आपको मालूम है कि शायद मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ, थोड़ा उस एक्शन में ही आप ग्रो करेंगे. कंफर्ट एक्शन में जो होता है वो लिमिटेड ग्रोथ होता है. जो मैं बात कर रहा हूँ वो होता है कि अभी करना है, ये नहीं कि मेरा ये अभी टाइम सही नहीं है, या मेरे को पहले अपने बच्ची की शादी करनी है, या ये करना है, ठीक नहीं है, गवर्नमेंट ठीक नहीं है, मौसम ठीक नहीं है, सर्दी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, मैं करूँगा, मैं कल करूँगा, जब मैं कॉलेज से बाहर निकलूँगा तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, जब कॉलेज से बाहर निकला है, जब मेरी शादी होगी तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, शादी हो गई तो जिस दिन बच्चे होंगे तब मैं ये करूँगा, वो करूँगा, बच्चे भी हो गए नहीं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, बच्चे बड़े हो गए नहीं, जब इनकी शादी होगी तो ये करूँगा, वो करूँगा. मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, मुझे बताइए इज मॉर्निंग वॉक गुड फॉर हेल्थ? आप सब मानते हैं पक्का है ना, और तुम लोग भी मानते हो मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ. हाँ मुझे बताओ, डिड यू गो फॉर द मॉर्निंग वॉक टुडे? नो. वो झूठा बोल रहा है, सबसे बड़ा मैं भी जाया होगा शायद आज. तो क्या हुआ, हम लोग जानते सब हैं लेकिन जाते नहीं हैं, करते इसको नहीं. कहते हैं knowing is knowing and doing is doing. Had knowing be doing, nobody would get married. आपको अपनी knowing को doing में convert करना, शायद वो कह रहे हो आप. Yes, action बहुत important चीज़ है. कुछ तो action आपको मालूम है जैसे आपने दिया, जिसमें आपको पता है कि वो आपके लिए अच्छा है पर नहीं करते हो. दूसरा action ये है कि it's next level action. और जैसे आप अभी एक करोड़ कमाते हैं पर आप 10 करोड़ कमाना चाहते हैं, उस 10 करोड़ में जो फियर है, जो अनकम्फर्टेबिलिटी है, उस एक्शन की मैं बात कर रहा हूँ. क्योंकि कई लोग बोलेंगे चलो 1 करोड़ से चलो 50 लाख और वो हो सकता है, ठीक है वो मैं कर लूँगा, पर 10 10x की बात हो रही है ना, उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा डर लगेगा, दिल थोड़ा धड़केगा, तो थोड़ा लोग बोलेंगे नहीं जहाँ पे हो वहीं रहो, क्यों लालची बनते हो, ये वो करना। ये एक्शन की बात हो रही है कि व्हेन यू आर नॉट रेडी टेक एक्शन, व्हेन सब कुछ लाइंड अप नहीं है यू टेक एक्शन, जब सब बोल रहे हैं नहीं करो यू टेक एक्शन, वो एक्शन की बात कर रहा हूँ। जब सब लोग इस तरफ जा रहे हैं और आप इस तरफ आ रहे हो, सब लोग आपको देख रहे हैं, उसको सब बोलेंगे कि घूम जाओ वापस हमारे साथ चलो, उस एक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि जब आप इस तरफ वॉक कर रहे हो, सब इस तरफ वॉक कर रहे हैं, कभी कभी हमें भी डाउट लगता है कि मैं गलत तो नहीं हूँ, क्योंकि सब इस तरफ जा रहे हैं, मैं गलत हो सकता हूँ, राइट। पर आपको मालूम है कि अगर आप इनके साथ जाओगे तो वही रिजल्ट मिलेगा आपको जो उनको मिल रहा है, और आपको रिजल्ट चाहिए इस वालों का। सो आपको जो इस तरफ जा रहे हैं ना, मेंटोर्स, ट्रेनर्स जो भी है, जो आपके कोचेस हैं, वो इस तरफ जा रहे हैं, उनको फॉलो करना है। और उस जब आप उनको फॉलो करेंगे, वो लाइन बहुत छोटी है। जो लाइन बड़ी है ना, जिसमें सारे बिलियंस ऑफ लोग जा रहे हैं, उसमें सक्सेस नहीं है। हिस्ट्री रीडर्स हैं, यू हैव टू बिकम अ हिस्ट्री मेकर, यस। वो सब के सब कंज्यूमर्स हैं, यू हैव टू बिकम कंट्रीब्यूटर, यस। वो सब के सब स्मॉल सीज हैं, कंज्यूमर्स, यू हैव टू बिकम अ बिग कैपिटल सी। कैपिटल सीज आर Contributors वो कम होते हैं, हमेशा बहुत छोटे होते हैं। कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा होते हैं, हिस्ट्री रीडर्स बहुत ज्यादा है, हिस्ट्री मेकर्स इतने से होते हैं, हिस्ट्री मेकर्स जी। तो बिकम अ हिस्ट्री मेकर। एंड मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी हमें लगता है कि कंपार्टमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, हाँ, इंजन राइट एक ही होता है। और कहने का मतलब यह है कि अगर आपको डर लग रहा है कि भाई दूसरे लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ, दूसरे लोगों का लक है, दूसरे लोगों के पास ये है, दूसरे के पास कनेक्शंस हैं, ये सारे एक्सक्यूज़ेस हैं। कोई भी इंसान कर सकता है। मैं जब ग्रो हो रहा था दिल्ली में, 2005 की बात करते हैं आपकी, उससे पहले की बात कर रहा हूँ ना मैं, उससे मैं 90s की बात कर रहा हूँ। जब 81 में जब मैं स्कूल दिल्ली में पढ़ता था, आई वॉज अ बैड स्टूडेंट, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मेरे पास अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, मुझको स्कूल अच्छा ही नहीं लगता था। जब मैं स्कूल में बैठ के अपनी विजन करता था या मैं कुछ सोचता था, तो टीचर बोलती सोचना बंद करो, ये जो कह रहा हूँ वो करो, सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं है। और जब स्कूल में गया था, मैं एक्चुअली कापी भी करता था, मैं लिख के जाता था कुछ आंसर्स, राइट। पिटाई भी होती थी उन दिनों इन 70s and 80s। सो मुझे ये क्या कहा गया था कि अगर आप स्टूडेंट्स नहीं अच्छे मार्क्स नहीं लाते हो, देन यू विल नॉट गोना अमाउंट टू एनीथिंग। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो और आपको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, और दिस इज यो आपकी चॉइस है, वो आप करो, कोई बात नहीं, वो करो, वो भी सही है। पर अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो और आपका दूसरा विजन है, किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप कुछ नहीं बन सकते हो। कि मेरे को कहा गया था कि तुम भीख मांगोगे अगर तुम ये नहीं करोगे, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। हमारे में क्या होता था कि हमारे माता पिता बचपन से आप अच्छे सन या डॉटर सिर्फ एक चीज़ में थे, आपके मार्क्स क्या हैं, आपने अपना होमवर्क किया कि नहीं किया, आज क्या पास हुए तो कौन से नंबर से पास हुए, सिर्फ ये उनका ये क्वेश्चन था एवरी टाइम। और मेरे को हमेशा वो समझाया गया था कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, यू नॉट गोइंग टू अमाउंट एनीथिंग, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। एंड जो इंटेलिजेंस है ना, वो स्कूल से अटैच कर दिया था कि अगर मार्क्स अच्छे हैं तो इंटेलिजेंट हो, मार्क्स बेकार हैं तो इंटेलिजेंट नहीं हो। वो मैंने चेंज कर दिया जब मैं पुलिस में गया। पुलिस में आई वेंट फ्रॉम बीइंग अ यूनिफॉर्म ऑफिसर टू बिकमिंग अ पुलिस डिटेक्टिव टू बिकमिंग अ पुलिस नेगोशिएटर एंड प्लटून कमांडर। उस पुलिस में मैंने इतने सारे एडवांस कोर्सेज लिए, बट फ़र्क ये था कि वो मेरे को पसंद था, आई एंजॉयड इट। जो स्कूल में वो बता रहे थे कि सन 1834 को कोई राजा आया था, उसने किस रानी के साथ शादी की थी, फिर उसने लड़ाई की थी, उस किस तारीख में कौन जीता था, उससे कोई मतलब नहीं था मेरे को मतलब नहीं था। कई लोगों को हिस्ट्री पसंद है, ठीक है, पर मेरे को कोई मतलब नहीं था उससे। तो जब मैं पुलिस में गया तो उन्होंने बोला एडवांस इन्वेस्टिगेशन, ड्रग इन्वेस्टिगेशन, NLP, स्टेटमेंट टेकिंग, ऐसी चीज़ों में मेरे को बहुत मज़ा आता था। So I took all the advanced courses in police force. तभी मैं advancement गया. So you were there for 15, 18 years? 15 years. So मेरा करियर बहुत अच्छा था, mainly because मेरे को वो पसंद था। So आपको नंबर 1 चीज़ ये करना है कि रियल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे उसको आप फुल टाइम करो या पार्ट टाइम करो। अगर आपको आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप कुछ भी हैं, करो पार्ट टाइम करो, 1-2 घंटा काफ़ी है। और उसके बाद जब आप पैसे कमाना शुरू कर दो, उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछो कि आप मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, क्या मैं वो फुल टाइम जो कर रहा हूँ वो करना चाहिए, या मैं रियल स्टेट में फुल टाइम आना चाहता हूँ। So उस टाइम आप डिसाइड कर लो कि मैं ये करना चाहता हूँ. This is the right time. When you have something, when you're earning something from a job, from a business, do not quit. Yes. And क्योंकि वो बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है ना, बहुत बड़ी, स्पेशली अगर आप शादीशुदा हैं, आपके पास बच्चे हैं, that's a risk. You know, that's a and young versus old, उसमें भी रिस्क का थोड़ा होता है. सो एक्शन का मतलब ये होता है कि टेक एक्शन व्हेन यू आर नॉट रेडी. वो कब होता है? जब एक इंसान इतना पैसा कमा रहा होता है, उसको बोलो इतना कमाओ, वो बोला हो सकता है. उसको बोलो इतना कमाओ, उसको थोड़ा डर लगेगा. उसको बोलो इतना कमाओ, उसमें जो डर होता है ना, उस एक्शन की बात कर रहा हूँ कि एक्शन मस्ट चेंज. आपके एक्शन मस्ट चेंज और एक्शन जो आप लेंगे वो डिफरेंट होगा. छोटा एक्शन, बड़ा एक्शन, छोटा रिजल्ट, बड़ा रिजल्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. दो चीज़ हैं जो लोगों को एक्शन से रोकती हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, रियल एस्टेट के लिए. नंबर 1, आई विल डू इट सम अदर डे, प्रोक्रेस्टिनेशन. मैं किसी दिन कर लूँगा, कल कर लूँगा, मैं आज दिन अच्छा नहीं है, आई विल डू इट सम अदर डे. कल सुबह उठते, सुबह 5 बजे कल करूँगा. सो ये हो गया. ये जो कोविड आई थी ना, कोविड से 100 गुना 1000 गुना डेंजरस वायरस है प्रोक्रेस्टिनेशन, कि कल करूँगा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. नंबर 2 जो उससे भी ज़्यादा ख़राब है, जो उससे भी ज़्यादा वायरस बहुत बड़ी है, आई कैंट अफोर्ड इट. मेरे पास आज पैसे नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कुछ सस्ता कर दो, फ्री में कर दो, प्लीज़ कुछ कर दो. वो वेट करेंगे कि कब वो पैसे आएंगे, तो वो कब वो उस कोर्स में इन्वेस्ट करेंगे, उस कोच को इन्वेस्ट में करेंगे, उस इवेंट में जाएंगे, उनके पास वो नहीं होगा. ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई माँ बाप होंगे वो बोलेंगे मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ या बनाना चाहती हूँ, उसके लिए 1 करोड़ खर्च हो जाएगा. वो कुछ भी करेंगे, वो करोड़ लगाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है डॉक्टर, इंजीनियर एंड लॉयर हमारे इंडियन ब्लड में है. पर अगर कोई बच्चा जाता है, कहता है कि मेरे को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरे को रियल एस्टेट बनना है, उसके लिए मेरे को 1 लाख या 10 लाख रुपए चाहिए, माँ बाप बोलेंगे पागल हो गया है, जाके काम करो, ये है वो है. सो जो भी ये देख रहे हो, चाहे आप यंग बच्चे हो या कॉलेज में हो या पेरेंट्स हो, प्लीज़ एक चीज़ आप कीजिए, वो ये कि ये फिगर आउट कीजिए कि आपको बच्चे को क्या पसंद है, आप वो क्या करना चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है, क्या है, हाँ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपका बच्चा करेगा जिसको अगर आप इतने अमीर हो वो फ्री में करेगा, कौन सी ऐसी चीज़ है, उस पे आप उसको ध्यान दो, क्योंकि वो ज़िंदगी भर वो खुश रहेगा और वो आगे बढ़ेगा और आपका नाम भी रोशन करेगा. ज़रूरी नहीं है सब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, सब लोग इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, सब लोग लॉयर नहीं बन सकते हैं. कोई ओबामा, ट्रम्प नहीं बन सकते, नहीं, कोई ओबामा बनेगा, हो सकता कोई उसकी मिनिस्ट्री में हो सकता कोई उसकी और नीचे हो, कोई सीनेटर हो, कोई हो सकता है और नीचे हो. हर इंसान के लिए इस संसार के अंदर कुछ ना कुछ तो है. एवरीवन कैन नॉट बिकम द कैप्टन ऑफ द शिप. नो. And everybody should not be captain of the ship. नहीं होना चाहिए. See, हमारे में ये होता था कि main reason मेरे डैडी मम्मी बोलते थे because of money and respect. डॉक्टर बनोगे तो पैसा अच्छा आएगा और आप अच्छी ज़िंदगी रहोगे, इतना पैसा कमाओगे. So main उनको वो होता था कि security. जब मैं पुलिस ऑफिसर बना तो mainly क्यों मेरे relationship मेरे डैडी से ज़्यादा better हो गए, क्योंकि उनको लगा कि हाँ मेरा बेटा आपका अच्छा कमा रहा है, आप कमा रहा है तो चलो 2 साल में शादी कर दो इसकी, ऐसे हुआ ना. तो ऐसा ही होता है. पर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको सेफ्टी सिक्योरिटी का सिखाया गया है, शायद 50 साल 100 साल पहले वो सही भी था, हो सकता है वॉर्स थी, ये वो मैं समझ सकता हूँ, पर आज के ज़माने में आप वो कीजिए जो आपके बच्चे करना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि आज मैं बताऊं, जब मैं डैडी के पास या मैं उनके पास जाता हूं, तो उन्हें पता है कि डॉक्टर, लॉयर, प्रेसिडेंट, CEOs ऑफ द कंपनीज, इंजीनियर्स, उन सब से ज़्यादा 1 घंटे का ज़्यादा मैं चार्ज करता हूं, आज इतना कमाता हूं मैं. कहने का मतलब ये था, उनको पहले ये लग रहा था कि ये तो कुछ कमाएगा ही नहीं, इसके पास पैसे नहीं होंगे, पर आज जब मैंने वो करके दिखाया है, देन आई एम गुड. पर उस करके दिखाने में और होने में जो गैप है ना, उसमें रिलेटिव्स, पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं करो, यू कांट डू इट, यू कांट डू इट, तुम्हारे बस का नहीं है, ये मत करो, वो मत करो, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ. यस. और पहले साल हमारा यही हुआ था. पहले साल जब पुलिस में मैंने लीव ऑफ एब्सेंस ली थी, वो पहले साल में जो कर रहा था, सारे रिलेटिव्स, कजिन्स, फ्रेंड्स, अंकल्स, डैडी, सब बोल रहे थे बेटा प्लीज़ वापस जाओ. 2005 हाँ हाँ 2005 में वापस जाओ काम पे। एक बार मेरे डैडी ने बोला था कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ बेटा और मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि तुम फेल हो जाओ। In 2005 in real estate so then क्योंकि मैंने उनको बोला था कि अगर real estate में मैं सक्सेस हुआ तो मैं वापस जाऊंगा, तो वो प्रे करते थे। But that will be very dangerous for your family, for your relation with your wife. Yes, of course. And can we mention about this? Yeah, वो family reason के मैं बोला था ना कि main reason वो दिया था क्योंकि हमारी wife के साथ fight हो रही थी, तो she said we're gonna have a divorce. So she said, the wife said, either being stay as a cop or me, choose one. So I had to choose. She said, तुम cop के अंदर रहकर के 15, 16, 18 घंटे वहाँ पर दे रहे हो, तो अगर वहीं पर जाना है तो वहीं पर जाओ, मैं जा रही हूँ। Something like that. Bye, bye. So then he chose कि नहीं, मुझे अपनी wife भी चाहिए और मुझे कुछ ना कुछ करना है. So he thought of leaving. I did leave the police force. He left. कि 99.99% जो हमारे officers थे, अगर वो same situation में होते, they would have left the family. और सर ये मेरा काम है, ये मुझे नहीं मिलने वाला, ऐसी जॉब मुझे कभी नहीं मिल सकती। प्लस वो मेरा पैशन था, राइट, दिस वाज समथिंग आई लाइक पैशन आल्सो। लेकिन क्योंकि वाइफ से थ्रेट मिला तो ही चोज हिज वाइफ इंस्टेड ऑफ, एंड वी हैव 2 चिल्ड्रन, यू नो, छोटे बच्चे थे, यू नो, सो वी डिड दैट। सो बड़ा स्टेप था ये। हो सकता है काफी सारे मेन सोचते हो कि यार वाइफ को छोड़ो ना यार, और किसी की वाइफ मिल जाए। हमारे वहां तो जो पुलिस में काफी जो ऑफिसर्स थे वो दे लेफ्ट, दे हैड डिवोर्सेस बिकॉज़ ऑफ दैट रीजन, राइट। सो मैंने कहा मेरे को वो नहीं करना है, मेरे को तो जैसे इंडिया में भी कॉप्स की जॉब जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस होती है, बहुत ज़्यादा आवर्स लगते हैं, आपके वहाँ पर भी ऐसा ही है? हाँ, मतलब आई कैन नॉट कंपेयर कि यहाँ पे क्या होता है, बट आई कैन कंपेयर। हाउ मेनी आवर्स यू वर डूइंग? 12 to 14 hours a day, and कभी कभी तो वो 5 days, 6 days, 7 days. Basically, they'll call you whenever they need it, depending on what position you're. But शुरू में सब ठीक था, right? शुरू की मैरिज में सब ठीक है, पर आगे चल के उन्होंने बोला कि भाई आप रात को काम करते हो, दिन को काम करते हो, फिर उनको डर भी लगता है कि शायद कुछ हो जाए, you know, that's one of the reasons, right? Yeah, so ऐसा होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा एक चॉइस करना पड़ेगा कि क्या चाहिए, कभी कभी ऐसे करना पड़ता है। और इसमें हमने चॉइस, और आपका जो वाई है ना, जो लोग मेरे से पूछते हैं कि क्यों आपने 77 प्रॉपर्टी किए, बिकॉज मेरा वाई स्ट्रांग था। मेरा वाई स्ट्रांग क्यों था कि अगर मैं उस एक साल में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वापस काम पे जाऊंगा, तो वापस वही प्रॉब्लम हो जाएंगे फैमिली के, और वो मैं करना नहीं चाहता। प्लस देयर वाज अ टिकिंग बॉम्ब जो एक साल का था कि एक साल में ही करना है, और मेरी डेडलाइन थी, गोल था कि इस साल के अंदर करना है। सो वाई बहुत इम्पोर्टेंट। तो सब चीज़ों की कंपल्शन के कारण से यू डिड एंड यू परफॉर्म and you have been able to overcome your fear. इसलिए ये जो पहला स्टेप है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी बर्थडे की पार्टी हो रही है, अगर पार्टी 3 महीने के बाद हो रही है, आपको प्लान करना है 5 स्टार होटल में, तो आप आराम से कर सकते हो। पर अचानक आपको लगा कि मेरे को अपनी फैमिली को सरप्राइज़ गिफ्ट देनी है उसकी पार्टी के लिए, पर बर्थडे 3 दिन के बाद है, 3 दिन के बाद है, और 5 स्टार में। सो आपके जो एक्शंस होंगे ना 3 दिन में डिफरेंट होंगे, फास्ट डिफरेंट 3 महीने होंगे, आप आराम से करोगे। सो आपको ये देखना है कि पैसा आपको 1 महीने में बनाना है या 50 साल में बनाना है, वो स्पीड पे आप काम करोगे। सो अगर आप बोलते हैं कि 1 साल में मेरे को इतना कमाना है, सो आपके एक्शंस डिफरेंट होंगे। अगर बोलेंगे आपको उतना ही पैसा 5 साल में कमाना है, आपके एक्शंस डिफरेंट होंगे। सो मैं बस इसलिए यहाँ पे अनुराग जी के पास आया हूँ इस वीडियो के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमें मैसेज भेजें, हमें बताएं कि कैसे आपकी ज़िंदगी चेंज हुई है, कैसे आपने रियल एस्टेट में कुछ तो किया है। चाहे आप करोड़ों कमाएँ, चाहे आप लाखों कमाएं, चाहे कुछ भी कमाएं, पर मेरे को ये बताएं कि आप इंस्पायर्ड हुए। चाहे आप कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में, यंग हैं, या आप ऑलरेडी रियल एस्टेट में हैं, या एजेंट हैं, या एंटरप्रेन्योर, कुछ भी हैं, आपको कुछ ना कुछ करना है। इसका मेन मकसद, अगर आप सुनील से जुड़ना चाहते हैं विद इन इंडिया, अगर आपको इंडिया में रह करके कोई रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कोई बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, सो यू कैन कनेक्ट विद हिम। आपको ईमेल जो है, आपका ईमेल आईडी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि सुनील के साथ में यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर, जापान में, चाइना में, कहीं पर भी प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद सुनील तुलसियानी। ही लिव्स इन टोरंटो जी, एंड ही इज इन कनाडा। और इनका जो इन्वेस्टमेंट क्लब है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लब, प्राइवेट लिमिटेड क्लब, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लब, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लब जो इनका है, और इसके अंदर सारे के सारे लीड क्लास वहाँ पर आती है, एंड द फंक्शन टेक्स प्लेस 2 और 3 टाइम्स इन अ ईयर. करेक्ट. एंड होके भी चुका है. हाँ, और हमारे मेंबर्स कनाडा में, यूएस में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, हर जगह अब ग्रो हो रहा है. अगर आपको कहना कि मेरे को मेंटोर चाहिए, मुझे डायरेक्शन चाहिए, मुझे एक्सेस टू मनी चाहिए, एक्सेस टू गुड डील चाहिए, ये हमारी क्लब करती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लब. और सबसे बड़ी बात यह है, नेक्स्ट वीक मैं ग्रोथ समिट में सूरत में हूँगा, और वहाँ पे आपको आपके मिलना है. अगर आप आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और कई लोगों को आप सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस से मिलना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स से मिलना चाहते हैं, आप अगर वहाँ आना चाहते हैं, सो वहाँ पे दीपक चोपड़ा जी आ रहे हैं, सुनील शेट्टी जी आ रहे हैं, गौर गोपाल दास जी आ रहे हैं. सिंपली वहाँ पे या फिर नीचे कोई लिंक होगा, लिंक डाल देंगे उसका, उस लिंक में आप क्लिक करके जो लेवल की टिकट आपको बाय करनी है, वो टिकट बाय करके आपको जरूर आना है. मैं चाहता हूँ बड़ी कोई वो नहीं है. मेन चीज है कि अगर आप लोग कनेक्ट करो, कि आप लोग इन्वेस्ट करो, या फिर आप लोग ग्रो करो, यू बिकम अ मिलियनेयर. दैट इज द मेन पर्पस, नॉट टू सेल द टिकट. तो दिमाग में अगर आपके ये कि वीडियो बन रही है क्योंकि हमको वो टिकटें बेचनी है, तो अपने आपको इस अकल में से, इस सोच में से बाहर निकाल. जी जी. और मेन चीज है कि आपको, अगर आपको लगता है कि आपका टाइम आ गया है करने का, कुछ करने का, और आप मुझसे मिलना चाहते हैं, एक ऑप्शन ये आपके पास है. एक वीक में मेरा उस इवेंट पे आ जाइए आप, और मेरे से मिलिए, और वो देखिए कि कैसे लोगों की ज़िंदगी चेंज हो रही है, और आपकी भी ज़िंदगी उससे चेंज होगी. क्योंकि ये जो सारा सिस्टम है, 7 स्टेप सिस्टम है, उसको आपको सिर्फ स्टडी नहीं करना है, उसको आपको करना है. Do it. And नाइकी भी तो कहती है just do it, baby. And ये वीडियो को आप प्लीज़ 2, 3, 4 बार, जितनी बार देखें, प्लीज़ लिखिए, और उसमें कमेंट्स लिखिए. और अगर आप चाहते हैं कि आगे चल के मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ, उसमें कुछ किसी चीज़ पे आपकी वीडियो आपके लिए बनाऊँ, तो प्लीज़ उस कमेंट में, उसमें कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा आप ये चाहते हैं. मैं चाहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में जो लोगों की मदद की है, अब इंडिया का टाइम आ गया है, और आप एक में जाकर एक मैसेज देना चाहता हूँ. जी बोलिए. पिछले 10 महीनों में जब से सुनील तुलसानी केम टू अवर चैनल एंड यू गिव 3 ट्रेनिंग्स, हम लोगों को 100s की तादाद के अंदर मैसेजेस मिले हैं. मेरी यहाँ प्रॉपर्टी है, ले लीजिए, मेरी वहाँ प्रॉपर्टी है, मेरी वहाँ प्रॉपर्टी है. ऐसा मत करो आप लोग. आप जैसे सुनने का है, आपको जुड़ना पड़ेगा. जुड़ने से बिजनेस बढ़ता है. आपके मेरी प्रॉपर्टी ले लो, मेरी ये, मेरा यहाँ पर ये इतना बीघा ज़मीन है, इतने मेरे पास फ्लैट है, इतने मेरे पास फ्लोर्स हैं. ऐसा मत करो आप लोग, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो. नहीं, अगर आपको, बिकॉज सुनील सेड इन कनाडा कैन नॉट इन्वेस्ट हिज मनी इन योर बीघाज ऑफ लैंड, इन योर एग्रीकल्चर लैंड और किसी भी तरह की. नहीं, आप जुड़ेंगे तो बात बनेगी. हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं रियल इस्टेट में, बट मेन चीज़ है कि अगर हमारी रिलेशनशिप बनती है, आप मेरे, हमारे क्लब के मेंबर्स हैं, या हम एक दूसरे को जानते हैं, तभी बिजनेस हो सकती है ना. हमने बोला ना, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है COI के साथ. तो आप समझो, एक दिन आप बहुत अमीर बन जाते हो, और आप ऐसे लोगों से मिलते हो जिनको आप जानते नहीं हो, तो क्या आप उनको आप पैसे दोगे? नहीं दोगे ना. तो मेन मकसद ये है आपका कि कैसे रिलेशनशिप बने, कैसे आप. सी, अगर आप मेरे को मैसेज भेजेंगे, हमारे पास कम से कम 10,000-20,000 मैसेजेस आएंगे. सो मेरी टीम है जो उसको देखती है, पर मैं अपना सेल फ़ोन आपको नहीं दे सकता हूँ. आई कैन नॉट डू दैट राइट नाउ, एंड वो नहीं हो सकता है. पर इसका मतलब ये नहीं है आप बोलें कि मैं, अरे मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो आपको मैंने सिखाया है ना, आप उसी से शुरू कीजिए. मोटिवेट पहले सीखिए कि कैसे अच्छी डील को लॉक इन करना है. फिर सीखिए कि कैसे COIs और इन्वेस्टर्स को आपको लिस्ट बनानी है, और ये जो सिस्टम है उसको सीखिए. चाहे आप यहाँ से शुरू कीजिए, चाहे यहाँ से शुरू कीजिए, मेन मकसद है कि शुरू कीजिए अभी. अभी के अभी आप गोल लिखिए, अभी के अभी सब 2-4 लोगों के साथ वो गोल आप शेयर करना है. आपको अपने आप एजुकेशन लेनी है, आपको रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट में ये देखना है कि पॉजिटिव कैश फ्लो और ROI कैसे उसमें आता है, वो ज़रूर सीखना है. प्लस आपको लिस्ट बनानी है कि कहाँ से मोटिवेट जो सेलर्स हैं, जो प्रॉपर्टी सेलर्स जो डिस्काउंट में दे सकते हैं, वो कैसे आएंगे. और फिर आपको लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स बनानी है. मोर इम्पोर्टेंटली सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस का देखना है, क्योंकि मैं जो हूँ ना, मैं आई एम अ नॉर्मल गाय. मेरे को अगर आप रास्ते में देखेंगे ना, आई एम जस्ट अ नॉर्मल गाय. सक्सेस है, बट पीपल मेरे को बोलते हैं, उनको लगता ही नहीं कि आप इतनी सक्सेसफुल हो. थोड़ी लिखा होता है. या, एंड प्लस मेरी एटीट्यूड जो है ना, आई एम वेरी हम्बल, आई एम वेरी, मेरे को, मैं ऑटो में भी बैठ जाता हूँ, और मैं यू नो पोर्श में भी बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को उसमें. और मैं 5 स्टार में भी खा लेता हूँ, रास्ते में भी खा लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर यह है कि आपको अपनी ज़िंदगी खुद बनानी है, आपको ये, मैं एक एग्जाम्पल हूँ आपके लिए कि क्या हो सकता है। He was coming from his hotel, so when he came to my place for this recording, and he was talking with the cab wala, yes, and he saluted him twice or three times also. He said, "Sir, कोई गलती तो नहीं होगी?" And I was watching everything. So sitting down from his hotel to this place, and hours of journey. In this hours of journey, he had made, he must have conversed with him. He talked with him. He made him his friend, and the relation was so much कि जब ये उतर रहे थे तो he was saluting him and he was saying, "Sir, कोई और काम हो तो बता देना, कोई गलती हो तो माफ कर देना." This is what the driver said to him. मुझे तो आज तक कभी किसी ने नहीं बोला यार। मैं बता रहा हूँ कि जब मैं लोगों से मिलता हूँ ना, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर्स हों, चाहे कहीं पे भी, चाहे वो स्वीपर्स हों, उनसे मैं पूछता हूँ आपका नाम क्या है। Absolutely. ये ना वो बताते नाम, मैं कब से कर रहे हो, अच्छा लग रहा है कुछ बस, एंड उसके बाद उनको लगता है कि यू नो, एंड आई जेन्युइनली वांट टू टॉक टू देम, ऐसा नहीं है कि बस ऐसी है। और वो ड्राइवर को अच्छा लग रहा था एंड में, राइट। फिर दूसरे की रिस्पेक्ट करना, चाहे कोई भी पोजीशन में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक चीज़ है कि मेरे को ये पता चल जाता है कि अगर कोई अमीर आदमी किसी दूसरे गरीब से डिफरेंटली बात करता है, तो मुझे पता है कि मैं अगर गरीब होता तो मेरे साथ भी वो ऐसे ही बिहेव करता। सो ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बींग्स, उनके साथ प्यार से अच्छे से पेश आओ। उनको उनकी अगर आपके पास 1 मिनट है तो 1 मिनट के लिए उनको मेक देम फील गुड अबाउट देम, दैट्स इट, दैट्स व्हाट इट। सो ये आपके जो इन्वेस्टर्स होगी लिस्ट होगा। 6th में आके आपको अपना मेंटर ढूंढना है। आपको ये नहीं कहना कि मेरे पास पैसे नहीं है, कल करूँगा, ये आई कैन अफोर्ड इट। आपको कहना कि कैसे एक मेंटर मेरी ज़िंदगी में आए। और मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में बहुत सारे मेंटर्स हैं, उनको आपको हायर करना है और उनके साथ काम करना है। क्यों आप अपने आप खुद करना चाहते हैं? आप ऐसा इंसान ढूंढिए जो कर चुका है। आप समझिए आप नीचे हैं, ऊपर एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर 10 करोड़ रुपए हैं जो आपको चाहिए, 10 करोड़ या 100 करोड़ जो भी चाहिए आपको। और इस पहाड़ को चढ़ने के लिए आप अकेले भी जा सकते हो, अपने आप गिर सकते हो सकते हैं शायद आप पहुँचे ही ना। ऐसा कीजिए, आप इस पहाड़ पे ऊपर जाने के लिए ऐसा इंसान ढूंढिए जो 100 बार ऊपर नीचे जा चुका है, 100 बार जा चुका है, और उसको मालूम है कि आधा घंटा जाके यहाँ रुकना है और कहाँ पे आराम करना है, कहाँ पे खाना है, कितनी देर रुकना है, इतनी देर में रात हो जाएगी, इस कौन से कपड़े पहन के जाना है, कुछ सब कुछ पता है उसको। तो चांसेस आर अगर आप उसके साथ जाओगे तो आप वहाँ पहुँच भी जाओगे। हो सकता है बाय योरसेल्फ आप नहीं पहुँचोगे। सेम थिंग, वो ही करना है आपको। मेंटर की बहुत ज़रूरत है सबको पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो हेल्थ मेंटर हो, चाहे वो पर्सनल मेंटर हो, चाहे वो बिजनेस मेंटर हो, रियल एस्टेट मेंटर हो, जो भी हो। एंड लास्ट एक्शन, ये सारी चीज़ें जो है ना बेकार है। अगर ना ये नहीं करोगे। सुनील, एक बंदा जो था पहुंच गया चर्च में और कहता है, भगवान मैं बहुत अच्छा था, मैं सारी जिंदगी आई हैड बीन गुड एंड डिसेंट मैन, नाउ वुड इट बी टेरिबल फॉर यू इफ यू लेट मी विन अ लॉटरी ऑफ 4 करोड़ रुपए? कोई जवाब नहीं। बंदा फिर बता लौटा, दोबारा आया, बार बार, हर हफ्ते, हर महीने, सालों तक आता गया। 4 साल के बाद कहता है, he went to the church for the last time, that God, I've been coming to you for 4 years. Will you or won't you? A lottery of 1 लाख रुपए यार सिर्फ जिता दे। Hello. There was no response. As this man rose to leave the hall, God's voice boomed. भगवान कहता है, ओ इस चुदाई, ओ बेवकूफ, at least go and buy a ticket. अबे टिकट खरीदेगा तभी तो जिताऊंगा। अरे सब कुछ तो कर लिया, तो टिकट खरीदने को तैयार नहीं है, टिकट तो खरीद ले। Your ships are safe at the harbor, but ships are not made to be in the harbor. नहीं, सही बात है। पैसा तुम्हारा सेफ है लॉकर के अंदर, लेकिन पैसा लॉकर में रखने के लिए थोड़ी बनता है। पैसा आपको इन्वेस्ट करोगे तो ही तो पैसे से पैसा बनेगा ना। और लॉकर में रखोगे पैसा तो हर साल आप लूज कर रहे हो ना। आप लूज कर रहे हो रोज। एंड बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो अभी कर रहे हो उसको में चेंजेस लाने हैं, बिकॉज अगर उसमें चेंजेस नहीं लाए तो आपके बैंक अकाउंट में चेंजेस नहीं आएंगे और आप ग्रो नहीं होंगे, आप लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टर, सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनना पूरी इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर हो सकता है कि आगे चल के आप ऑफिस लें, आगे चल के आप एम्प्लॉय करें लोगों को, उनको एम्प्लॉयमेंट दें, जॉब दें, काम दें। सो पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे इंडिया के लिए, सबके लिए बेटर है कि आप सक्सेसफुल हों। तो आपका नंबर 1 फोकस ये होना चाहिए कि आप कैसे सक्सेसफुल हों। आप ये ना सोचें कि वो सेल्फिशनेस है या गलत है, वो सोचें कि आपकी ड्यूटी है कि आप सक्सेसफुल बने, आप अमीर बने, आपके पास इतना पैसा हो कि आए कि आप कभी भी पैसों के बारे में ना सोचें और आप उल्टा इंडिया की मदद करें, क्योंकि कई एरिया में वो घर अच्छा बन जाएगा, कई आप लोगों को काम देंगे, लोगों की मदद करेंगे, अपनी मदद करेंगे और इकॉनमी बढ़ती है, इकॉनमी बनेगी, बढ़ती आगे, देश बढ़ता आगे और आपका बैंक बैलेंस तो बढ़ता ही बढ़ता है। और इंडिया में क्या हुआ है अभी, देयर इज़ एन एंटरप्रेन्योरशिप वेव, ये जो वेव है ना बहुत बड़ा है और द नेक्स्ट जो 10 साल कंट्री जो है इस समय स्टार्टअप्स के अंदर सक्सेस में थर्ड है। After America and China, सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न हमारे यहाँ से पैदा हुआ। Right, and America and China, and जो Americans, non-resident Indians, जो बाहर के लोग आ रहे हैं, there's a focus now to invest। आप देखिए, मैं इंडिया में अभी आया हूँ ना सेकेंड टाइम, सिर्फ 9 महीने पहले मैं गया था, अब मैं यहाँ पे आया हूँ। Why? Because I see potential in India. मेरे जो दोस्त हैं, they see potential in India from America, Canada and all that. So there's a big movement. और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। So मैं चाहता हूँ कि आप इतना पैसा कमाएं रियल एस्टेट में, इतना पैसा कमाएं कि एक दिन आके मेरे को बताएं। And that is the purpose of you to come here. That's my purpose. Thank you very much, Sunil. Thank you very much. We had a very nice conversation. मैंने तो लास्ट टाइम में सीखा था, आप लोग लास्ट टाइम की वीडियो से और इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आप जाना चाहें इनके प्रोग्राम में जो कि नेक्स्ट वीक है सूरत के अंदर, तो आप जा भी सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, वी हैड अ लवली टाइम। थैंक यू वंस अगेन। ओके, बाय बाय गाइस, बाय बाय।